लिमिटेड है, हाँ हम उसको लाइक एक्सपेंड कर रहे हैं, हाँ और इकोनॉमिकल नहीं है तो आप इकोनॉमिकल जी, फाइनेंशियल सेविंग्स में ये है कि ऑन गोइंग चार्जेस जो बनते हैं लाइक वो हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने उसको बताएं कि अगर आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर अपने आप को कंसीडर करते हैं, आपकी कोई उसमें वीकनेस हो गई, आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे, हाउ विल यू बिकम अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर? सर लाइक एक्सपोजर, एक्सपोजर सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करता हूँ कि आप जो कॉन्टेंट फॉलो कर रहे होंगे, दुनिया के जितने एल्गोरिथम्स हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, जो भी हो, जो चीजें आप फॉलो कर रहे हैं वही आपको ज्यादा दिखाई जाएंगी। तो इफ यू वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, ये बी मोर इन्फॉर्मेटिव, बी मोर नॉलेजेबल, फॉलो द राइट पेजेस एंड द राइट इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर आप जो है यू थिंक यू नीड टू बी अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, देन फॉलो टेड का जो पेज है, TED, जो है ना, उसकी वीडियोस आती रहती हैं, टेड को फॉलो करें, मैगजीन्स को फॉलो करें, क्यों, ताकि आपको वही कॉन्टेंट नजर आए आपको, फिर ये जो शादी के डांस की वीडियोज हो गई और वो आप उससे पा करेंगे, आपको जो है ना आपकी तो फीड में ही नहीं आएगा, आपको दूसरे बता रहे हैं, आपने आपको पता नहीं ये वीडियो वायरल हुई है, नहीं अल्लाह का शुक्र है मेरे उसमें फीड में नहीं आई। तो वो क्या होता है, व्हाटएवर यू कंज्यूम यू बिकम बेटर एट इट, एंड दैट इज व्हाट इज शोन टू यू। तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू इंक्रीजिंग योर एक्सपोजर, हाउ डू यू इंक्रीज योर एक्सपोजर, रीड एज मच एज यू कैन, रीडिंग का टाइम नहीं होता, पॉडकास्ट के 50 एप्स हैं, कोई भी पॉडकास्ट का एप्स उसमें सही पेजेस फॉलो करें। अब मैंने क्योंकि पिछले 5 से एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें मैं स्पेस में काम कर रहा हूं, तो मेरे पास कोई 10-20 पॉडकास्ट हैं जो उसके ऊपर बात करते हैं। मैं एक बता देता हूँ, एक है स्कॉट गैलोवे के नाम से, प्रोफेसर जी मार्केट कास्ट की असर करके कोई नाम है, प्रोफ जी जो है, उसके आप सर्च करें, उसके जो पॉडकास्ट होते हैं वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में, क्योंकि ही इज अ बाय प्रोफेशन अ मार्केटर, तो वो सारी इंडस्ट्री के ऊपर तबसरे करता रहता है, और वो NYU का एक बहुत ही सीजंड प्रोफेसर भी है, वो खुद कई स्टार्टअप्स के बोर्ड उसमें रह चुका है, वो जो बातें करता है उसकी एक वीडियो में आपको 3 बातें सीखने को मिल जाती है। मिसाल के तौर पे इसने 2 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था कि सारी कंपनीज फायरिंग पे जाएंगी, और इसने कहा था एक वी कर्व होता है कि जो हर कंपनी को करना होता है, कि व्हाट हैपेंस इज कि विल दे नोटिस कि क्रंच आने वाला है, रिसेशन या कोई, वो क्या करते हैं अपना जो चर्बी है वो काटना शुरू करते हैं। तो इसने ये सजेशन उस वक्त दी थी, फायर मोर पीपल देन यू थिंक यू नीड, बेसिकली उसने कहा अपनी कंपनी को दोबारा आप लीन बनाए, तो he had predicted it 2 months ago, और से उस अब ये हो रहा है इंडस्ट्री में, आप देख रहे हैं 12,000-20,000। और उसने एक और बात कही जो मुझे अच्छी लगी, उसने कहा ये बुरी बात नहीं है, ये जो सारे लोग फायर हो रहे हैं ये वो लोग हैं जो टॉप की कंपनी से फायर हो रहे हैं, फेसबुक मतलब मेटा, गूगल, एमेजॉन, ये अपनी स्टार्टअप्स बनाएंगे ये सारे जाके। तो अभी अचानक आपको नजर आएगा अगले 6-8 महीने में 500 नई कंपनियों के नाम आने लगेंगे, और वो क्या करेंगे, वो छोटे छोटे माइक्रो बिजनेस कर रहे होंगे, Amazon के ऊपर इमेज को बेहतर करने का कोई सॉफ्टवेयर बना रहा होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट की इमेज लगा रहे, हमारा एक ऐप है इससे आप पिक्चर लें तो Amazon पे ये 3D इमेज बन जाएगी, क्यों, क्योंकि वो लोग कंपनीज में देख चुके हैं ये सारा डेटा पॉइंट, वो अपने अपने माइक्रो बिजनेसेस बनाएंगे। तो ही सेड इट्स नॉट अ बैड थिंग, अभी जो है मार्केट में और स्टार्टअप्स आएंगे और उसके अंदर आप भी अपनी एक गुंजाइश बना सकते हैं, स्पेशलाइज इन फॉर एग्जाम्पल इमेज रिकग्निशन, डेटा साइंस, ये जो सारी फील्ड है इसमें स्टार्टअप आना शुरू होंगे, राइट। तो first thing, problem solving, how do you be better, read, and then more importantly try to act on your actions, matlab not act on your actions, act on what you're thinking, agar ek choti si bhi cheez hai, main ek misal deta hu, aap sadak pe chal rahe, patthar pada hua hai, chalte chalte usko side pe kick maar rahe, you become a problem solver and that builds up into a habit, aapko nazar aata hai family mein koi galat baat kar raha hai, then you start saying it out loud, ye mat kare, this is not fair to someone, kya ho raha hai, you are becoming a problem solver, छोटी छोटी चीजें होती हैं, दे ऐड अप टू इट एंड इट बिकम्स अ माइंडसेट। तो प्रॉब्लम सॉल्वर की जो सबसे बड़ी बात होती है वो स्टेटस क्वो, जिसको हम कहते हैं, हमेशा से ऐसे ही होता है, हमारे दादा करते थे, उनके अब्बा करते थे, उनके भाई 2023 में अभी तक आप क्यों अपने दादा वाले काम कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट चेंजिंग, वही रैपर का कूलर रखा होता उसी में से सब पानी पिए, क्यों नहीं है किससे बेहतर कूलर आ चुका, क्यों नहीं इसकी, व्हाई आर वी सेटलिंग फॉर व्हाटएवर इट इज, टू बिकम दैट थिंग, राइट, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट थिंग एंड देन मेक इट इनटू अ हैबिट। आप जो है कहीं ना गलत चीज देखते हैं बोल रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनने लगते हैं। फाइनेंशियल सेविनेस, हाउ डू यू बिकम स्मार्टर विद हैंडलिंग योर मनी, इफ दैट इज अ वीकनेस, और अ लॉट ऑफ अस, मैं खुद अपने आप को कहता हूं मेरा मसला है मैं पैसे सही मैनेज नहीं कर पाता, तो हाउ कैन यू सॉल्व दैट, और फिर मैं अपना भी बताऊंगा मैंने क्या किया उसके लिए। जी ठीक है, आप मेंटली देखें मुझे ये चाहिए भी, ये सिर्फ ख्वाहिश चाहिए मेरी,
कि इज दिस समथिंग फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ हर हफ्ते हैंग आउट करना, इज दिस समथिंग दैट नीड्स टू बी स्पेंड मनी ऑन, या मैं घर में बैठ के पानी और चाय से भी काम चला सकता हूं, क्यों हम जाते हैं हर हफ्ते बाहर? दैट इज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. इफ यू कैन अफोर्ड इट, बहुत अच्छी बात है, दोस्तों को भी पिलाएं. हम भी ऐसे दोस्त ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जो हमें हर हफ्ते ले जाके फिर खाना खाना खिलाने करते हैं. तो दैट्स अ गुड वन. आइडेंटिफाई व्हेदर इट्स अ नीड और अ वांट. डू यू गेट दैट आइडिया? ऑर्गेनाइज बाय द बुक मेथड, लाइक अगर आपके जो भी फाइनेंसेस हैं आप उनको डिवाइड करें, लाइक बाय बुक मेथड उनको हर लेबल करें, टैग करें, एनोटेशन करें. बिल्कुल. व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज बजटिंग. आपने क्या किया, आपने कह दिया ये मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 10000 रुपीस इन अ मंथ, आप कहते हैं जी 2000 फॉर एंटरटेनमेंट, 3000 फॉर फूड, 1000 फॉर बुक्स एंड एकेडमिक, और आपने बजट कर दिया. अब आप नोटिस करते हैं कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं, और आप उसको ट्रैक करें. इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो हेल्पफुल हैं. हिसाब किताब का नाम सुना है आप लोगों ने? दैट्स गुड. पहली चीज जिससे मुझे रिस्पॉन्स मिली है, तो दैट उनकी मार्केटिंग अच्छी है यानी. तो हिसाब किताब क्या करता है, आपका पूरा ब्रेकडाउन देता है, अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, किस वाले अकाउंट में कितने हैं, कहाँ कहाँ आपने स्पेंड किया, कहाँ खर्चा हुआ है. दोज आर दोज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच मेक यू अ बिट मोर फाइनेंशियली सेवी. You are not living outside of the means. आपकी जितनी कमाई है उससे ज्यादा की अपनी जितनी चादर है आप उसको देख के फैला पाएंगे. How do you become better at prioritizing tasks? आपको जो है अक्सर ओवरवेल्म हो जाते हैं, स्पेशली बीइंग स्टूडेंट्स, दोस्त भी बुला रहे हैं, फैमिली के भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी शादी का सीजन गुजरा है, जैसे बहुत खड्डे होंगे, अरे क्या आपको होगा, जाके शादी में बैठे हो, फिर अगले दिन पेपर भी है, उसको भी जगह करना है. तो स्टूडेंट्स हैव दिस इशू अलॉट. तो हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क, हाउ कैन यू बी बेटर एट इट? यस, आपको एक तो हैबिट बनाए मेकिंग लिस्ट कि आपको कौन से काम क्यों है, नवंबर से. क्यों? क्योंकि होता यह था, मैं ऑफिस से आता था, अचानक सर पे बम फटता था, जी शादी में जाना है. किसकी शादी थी मुझे तो पता नहीं, पता नहीं, हमने तो बता दिया था. अब मैंने क्या किया, हर चीज कैलेंडर पे डालता हूँ. अभी मेरे पास 9:30 पे यहाँ अलर्ट आया था कि जी मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन देनी है. तो क्या होता है, कैलेंडर और उसके थ्रू आपने क्या किया, हैबिट बना दी. जो भी टास्क आपका होना है लाइफ में आप उसको लिखते जा रहे हैं, और आपके सामने जब आप कैलेंडर सुबह उठ के खोलेंगे, यार आज के दिन तो मैंने 50 चीजें लाइन अप कर दी है, ये क्या हुआ. और अगर कोई आता भी है, अब मिसाल के तौर पर फ्राइडे को आई हैव अनदर सेशन जो होना था मेरा, लेकिन क्योंकि मैंने कैलेंडर पर डाला हुआ था, तो मैंने उनको जब ऑफर आई थी, मैंने कहा देखें इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू इट, मंडे को आप अरेंज करवा दें, विच इज वाई मैंने इनसे रिग्रेट भी किया, मे नॉट स्टे ओवर द वीकेंड, बट ये था कि मंडे को आई हैव अनदर सेशन जहां मुझे जाना. मगर क्या होता है, इट हेल्प्स यू विद दैट ऑर्गेनाइजिंग. आप क्या करते हैं, यू कैन यूज गूगल कैलेंडर, 50 और सॉफ्टवेयर है, गूगल कीप्स के नाम से एक है, वो नोट टेकिंग के लिए होता है, असाना, ट्रेलो, जिरा, जो सॉफ्टवेयर के लोग अगर यहाँ को हैं तो वो जिरा यूज करते होंगे. वही तो हर चीज जो क्या होता है, आप उसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं. यू राइट इट डाउन इन योर लाइफ, अगले दिन मेरे कितने काम है, अगले हफ्ते कितने काम है, अगले महीने कितने काम है, और आप अपने कैलेंडर को उसी तरह से मेंटेन कर रहे हो. तो दैट हेल्प्स यू विद इट. एंड जो चीजें लेस इंपॉर्टेंट होती है, यू कैन प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली. How do you build good teams? किसी और को भी चांस देते हैं? नहीं, but are you go first and then you? Common goals होने चाहिए. ठीक है. आप अपने team build कर रहे हैं, उसके हर member का एक common goal होना चाहिए. Right. किसी का ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसमें से ये फायदा है और कोई हाँ. सोच रहा हूँ कि नहीं मेरा ये goal है, तो it should be right. तो you and I think one thing to add to that is also letting people know that you have that goal. ताकि ये ना कि लोग अज्यूम करें कि यार देखो सब मुझे फॉलो करें. बिल्कुल. तो गोल्स क्लियरली कम्युनिकेट हो कि मुझे ये काम है, मैं इसलिए आपके साथ चल रहा हूँ. एंड देन यू फाइंड दोस पीपल अराउंड यू. सर इधर एंड देन स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स इवैल्यूएट करें और फिर देखें कि लाइक वो आपके विजन के साथ रेजोनेट करती है कि नहीं. राइट. फॉर एग्जांपल आई कांट जस्ट टेक अ लाइक वेब डेवलपर इफ आई डोंट वांट अ वेबसाइट. हमारे क्या होता है,
वेबसाइट बना देंगे, वो करेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी टेक्निकल उनसे काम कर दें, ऐसा कर दो, तो पता चलता है कि सॉरी ये तो मैं कर ही नहीं सकता. यानी 3 months या 1 month down the line you find out your product cannot be completed. तो होता क्या, that's your wasted time, पैसे भी अक्सर वेस्ट हो जाते हैं. तो ये क्या होता है, that becomes a problem as well. तो building team, तो सर then you and then I think आपने भी हाथ उठाया था, सही जी. उनकी पूरी दुनिया ओपन हो जाए, इस बेसिस पे हमने काम किया. हर टीम सारे बड़े अच्छी टीम बन गए, हमारी जेल हो गई, खुद ही रुकते थे, खुद ही काम करते थे, कोई रुकने की जरूरत नहीं थी. और जब हमने प्रोजेक्ट 3 साल बाद कंप्लीट किया, वो सारे बंदे दुबई जब जब चले गए, उनको अच्छी अच्छी जॉब मिल गई. यानी अब मैं जो खुद फोकस होता है वो पर्सनल पे होता है, काम नहीं होता, काम हो जाते हैं. क्योंकि मेरे पास टीम है, उस टीम के इंडिविजुअल लिहाज से क्या चाहिए, इंडिविजुअल पर बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, उसको कोच कराते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जा सकते हो. Right. उसको सारे टूल दिए जाएंगे, आपको स्किल्स को चाहिए, हर एक स्किल पे काम करते हैं, टीम बेहतरीन बनती है, वो चुनिंदा घंटे काम करने के तैयार होते हैं. यानी जान देने के तैयार होते हैं, देखना सेक्रीफाइस दिया, टाइम दिया, मनी दिया, फैमिली फॉर ऑल दीस थिंग्स. अगर आप उनको दिखा फील आते हैं कि जो बंदा है मेरे साथ खड़ा है, वो सब कुछ काम ही ना चाहता, ही इज फॉर मी, ही इज देयर फॉर मी, वी नेवर आर मी बट एंड ही है, वो जो काम कर रहा है मुझे डेवलप कर रहा है, मुझे आगे जाने के लिए. सर एक किताब है एक्स टीम्स के नाम से, एक्स टीम्स, तो उसमें जो है दे टॉक अबाउट द टीम दैट क्रिएटेड मोटोरोला का रेजर का फोन. 90s में जमाना था, वो सबसे डिजायरेबल प्रोडक्ट था, क्योंकि क्या है फोल्डिंग फोन था, कलर्स बड़े यूनिक थे वैसा. तो उनकी उन्होंने ट्रेड्स बताई थी, और आप जो बात कर रहे हैं वो ये था कि द टीम दैट दे क्रिएटेड इट वाज कंपनी के अंदर एक सेपरेट समझ लो यूनिट था, और वो क्या काम करता था, दे वर टेस्टिंग आउट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट देन मोर इंपॉर्टेंटली openness और होता कि everyone knew that we were making a better product, तो अपने आप को भी skill enhancement करे चले जा रहे थे. तो ये था कि अगर कोई basic technology लेके आया उसको शर्म नहीं होती थी, वो जाके जो head of department होता तो उसे आके कहता था मुझे सिखाओ, ये नई चीज़ है. टीम वाले भी यही नहीं कहते थे कहाँ गायब हो गए क्या हो, उन्होंने कहीं सीखने के मत छेड़ो, let him get those skills and then come back to us with the right skill set. तो that is वो बुक बड़ी अच्छी है, अगर वो आपको मिले तो उसको जरूर. सबसे पहले आपका एक अपना मॉडल भी होना चाहिए, हर इंडिविजुअल पे. हम कंपनी का मॉडल भी बनाते हैं, हर इंडिविजुअल का एक मॉडल नजर हो और उसका गोल क्लियर हो ना, तो वो अपनी प्रायोरिटी को उस हिसाब से लेके चल सकते हैं कि यार मेरा क्या गोल है. फॉर एग्जांपल आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी में आपके दोस्त यार भी हैं, आपका नेटवर्क कैसा है, जिसमें उन्होंने रोज बैठना ही बैठना है, लेकिन आपने अगर गोल क्लियर किया हो तो आप कहते हैं नहीं यार आज नहीं कर रहा हूँ, आज नहीं मैं वीकेंड पे आऊँगा, आप इस चीज को लेके चल सकते हो. फिर बिल्डिंग टीम पे आपका सबसे ज्यादा मेन इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन पे आपको वर्किंग करनी चाहिए कि हर इंडिविजुअल को हमें किस तरह समझना है. मतलब हम पूरी टीम को लेके चल रहे होते हैं और हम सबको एक ही टारगेट दे रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप सबको टारगेट दो वो एक अलग चीज है, लेकिन हर इंडिविजुअल के साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए कि वो अगर किसी की बात ही मान रहा आपकी बात मान जाए, तो हमारा गोल अचीव होता है. मतलब हम मतलब मैंने देखा, मैंने जॉब भी की है, स्टार्टअप भी इसीलिए किया है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है जब सारी टीम को एक ही गोल मिला हो और सब एक ही बातें करें, यार बॉस ने ये कह दिया. हालांकि सबको एक बात कहो आप, लेकिन हर इंडिविजुअल को अलग से भी कहो ताकि हर बंदा अपने काम पे फोकस करे, ना कि वो सबको देख के कोई भी पूछा जाए. इसमें जो है जो आप बात करें ना, ये होता है एक तो आईक्यू होता है, वो तो एक इंटेलिजेंट कितना आदमी इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड ईक्यू. किसी को पता है ईक्यू क्या है? इमोशनल क्वेश्चन. दैट इज व्हाट अ स्ट्रांग लीडर हैज. क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो अच्छे पॉलिटिशियन हो या वैसे लोग होते हैं, उनको पता होता है लोगों को कैसे पढ़ना है. व्हाट इज बेसिकली द मोटिवेशन. अब आपकी टीम होगी, सम विल बी इंट्रोवर्ट्स, सम विल बी एक्सट्रोवर्ट्स. एक्सट्रोवर्ट्स को आप आउटडोर वाले काम दें, हल्ला गुल्ला रखें वो करें, इंट्रोवर्ट्स को कहीं घर से काम कर लो भाई, दैट इज वेयर यू वर्क बेस्ट. तो क्या होता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक ऑफिस पॉलिसी बनती है. अभी पिछले सालों में ओपन ऑफिस कल्चर वो शुरू हुआ था कि जी कोई हमारे क्यूबिकल्स नहीं है, सब खुले में बैठे हुए हैं, लैपटॉप देखे.
अब स्टडीज आ रही कह रहे हैं मोर पीपल आर इंट्रोवर्ट्स रादर देन एक्सट्रोवर्ट्स और कंपनीज को नुकसान हो रहा है उसमें क्यों क्योंकि लोग ऑकवर्ड फील करते हैं दे डोंट फील कंफर्टेबल देखिए मेरी पूरी लैपटॉप और दुनिया खुल के सबके सामने रखी हुई है अगर मैं चप्पल उतार के बैठ के काम करने में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि आई एम सिटिंग इन अ कॉमन स्पेस आई विल हैव टू फॉलो दोस रूल्स एंड डेकोरम्स एंड वो सो नाउ इट्स बिकमिंग अ हिंड्रेंस फॉर मी टू डू माय बिजनेस तो वो क्या होता है यू हैव टू कीप इन माइंड कि लोग एक जैसे नहीं होते वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट मोटिवेशन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं कहते हैं पैसे तो हम काम कर रहे हैं नहीं दे रहे हैं हम कहीं और चले जाएंगे ठीक है कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें गोल चाहिए हमें लीडर चाहिए हमें क्या है कायर नहीं रहने को वो नहीं हमें रहनुमा चाहिए या क्या ये वाली यू हैव टू नो व्हाट एवरी पर्सन वांट्स एंड देन उसके साथ आप काम करें इसीलिए एचआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका जो वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं करता वो सबको एक ही उससे कर रहा होता है लाठी से लेना आप लेट आ गए तीन मिनट रिपोर्ट लिख रहे हैं उसी पर बंदा रेजिग्नेशन दे देता है यार मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूँगा तो यस हर जंग में और वो सबसे आगे होते थे तो उनके पीछे जो सिपाही थे वो डरते नहीं थे उनके साथ चलने में क्योंकि उनको ये था कि हमारे ऊपर तलवार आने से पहले दिस गाय इज गोइंग टू जंप इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट पॉइंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कि लीडरशिप का जो है हमारे क्या होता है लीडर खुद अब्सॉर्ब नहीं करता नीचे उतार देता है उसका उसको किसी ने सुना दिया इकोनॉमी सही होगी अब वो ऑफिस में हर किसी को झाड़ता घूम रहे क्या हो गया है गालियां बक रहे वो तो इम्प्लॉइज कहेंगे यार हम किस इमेच्योर आदमी के साथ बैठे हुए क्योंकि ही इज द वन टेकिंग द प्रॉफिट्स एंड द पावर बेसिकली हम तो काम के लिए हैं अब आप उनको ही सुना रहे हो जो बेचारा मजदूरी है वो काम कर रहा है मैम आपका हाथ रेज था और अक्सर वो आपको इंसेंटिवाइज इसी पे ही हो रहा होता है कि जी ईमेल नहीं आई इवेंट हो गया ईमेल नहीं आई थैंक यू फला वो एक चलता है चेन और उसके ऊपर सब अपना अपना लगा रहे होते हैं तो एक सॉफ्टवेयर है जो आपने बात की इसी के ऊपर एक स्टार्टअप क्रिएट हुआ उसका नाम है बोनसली BONUS.LY बोनसली उनका क्या है वो रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है मतलब ये एचआर वाले उसको डिप्लॉय करते हैं समझिए आपने किसी कोवर्कर का साथ दिया तो वो कोवर्कर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको रिकग्नाइज करता है दे गिव यू अ कैरेट बेसिकली और कहते हैं इस कोवर्कर ने आउट ऑफ द वे जाके फिर रात में मैंने ईमेल की थी इन्होंने सुबह ही मेरा काम करके दे दिया तो उससे क्या होता है एम्प्लॉयज की मोटिवेशन होती है दे नॉट गेटिंग पेड कोई वो नहीं है बट यू आर इंसेंटिवाइज यार देखो सबके सामने मुझे कैरेट मिला है तारीफ करने में दैट्स ऑल यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल जो अच्छे सेठ होते थे पुराने जमाने में उनको पता था अगर ढूंढ के चौकीदार का हाथ भी मिला लेंगे तो चौकीदार का दिल बड़ा हो जाता था कि यार देखो मेरे साथ सेठ जो है मुझे हाथ मिला के जा रहे हैं अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे तो ये चीजें बड़ा मैटर करती थी और अभी भी करती हैं पॉइंट होता है व्हेन यू बिल्डिंग दैट टीम दोस काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन जस्ट बी कि जी फिक्स वर्ड जी मैम बिल्कुल समटाइम्स जस्ट टेलिंग देम कि यार देखो यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब गो टू समथिंग एल्स एंड वर्क विद देम कि देखो तुम्हारे स्किल्स सेल्स में नहीं है बट हमने नोटिस किया ऑपरेशन में तुम बहुत स्ट्रांग हो लेट दैट पर्सन गो हमारे कहते नहीं इसको मैं बना के रहूंगा या जो है कि नहीं कर सकते तो फिर दफा करो इनको यहां से फायर कर दिए ये वो कर दिए दैट व्हाट डजंट हेल्प द पर्सन इफ समबडी इज वीक इन समथिंग वो आपको अक्सर कनेक्शंस वो मिल जाते हैं थ्रू दैट वर्किंग विद समवन एल्स तो इफ आप कहते हैं मैं इस कैंडिडेट को जानता हूं सेल्स की तो भी जॉब करे बट ही इज मच मोर सूटेड फॉर दिस अदर पोजीशन इन योर कंपनी तो अगर उसको अच्छी जॉब मिल जाती है वो आपको हमेशा याद रखता है और आपकी कंपनी के लिए एक एंबेसडर बना होता है फॉर एनी प्लेस दैट ही गोज इवेंचुअली तो दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस सर इसमें ये भी हो सकता है कि आप सेंट्रलाइज्ड को फोकस करने के बजाय डिसेंट्रलाइज्ड को ज्यादा फोकस करें तो कल्चर होगा ज्यादा बेहतर टीम भी तो किस तरह से यू आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल वो है ठीक उसमें ज्यादा फोकस होगा जो राय वगैरह सजेशन देंगे वो ये नहीं होगा कि जी ऊपर से डायरेक्ट के बाहर जैसे आर्मी का होता है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चल रहा है कि नहीं डर के
क्योंकि वो उनके वो जो होता है ना कि सर्टेन कंपनीज ये उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि दे डू नॉट वांट एवरीवन आस्किंग क्वेश्चंस. स्टार्टअप के लिए ये जरूरी है. अगर फाउंडर का दर, आप पहुंच ही नहीं सकते फाउंडर तक, आप उसको शिकायत कैसे बताएंगे आ रही कस्टमर की. तो फाउंडर्स को तो अक्सर ही होता है कि वो तो ओपन डोर पॉलिसी और जो बातें होती है उनको तो काम ही होता है कि भाई जो राइडर जाके डिलीवरी कर रहा है वो आके बताएगा कि सर देखें मैं डिलीवरी करने जाता हूँ तो लोग पैकेज खोल के वापस कर देते. अगर उसको फाउंडर को पता नहीं चल रहा कि मसले हो रहे फील्ड में और उसको कोई बता नहीं रहा तो उसकी तो पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा. तो अभी हम लोग मेरी आपसे शायद बात हुई थी एयरलिफ्ट के बारे में. द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एयरलिफ्ट जो फेलियर का होता वेयर हाउस वाले, उनको उन्होंने बिठाया था कोरंगी में और फैक्ट्री एरिया में और खुद सारे जो बर्गर बच्चे थे आईबीएल लम्स वाले उनको उन्होंने डिफेंस में एयर कंडीशन ऑफिस में बिठाया था. अब वेयर हाउस वाले रो रहे कि देखो यार ये सामान लेट आ रहा है, चीजें नहीं हो रही, राइडर गायब हो जाते हैं चीजें लेके, और वो लोग जो है वो बैठे अपने लैपटॉप पे सारा कम्युनिकेट को ईमेल कर रहे हैं वेयर हाउस मैनेजर को और भाई कॉल कर दो, वो कहाँ बैठे ईमेल चेक करेगा, वो तो फील्ड में घूम रहे हैं पूरे टाइम. ये सारी वो मिस्टेक्स होती हैं जो कंपनीज करती हैं when they don't have the right people surrounding them. One other point and then we can move to the next one. आप कुछ कह रहे थे सर? इसके लिए एक और स्टार्टअप आया है. There is another startup called Test Gorilla. किसी ने इसका ऐड दिया उसका पता है क्या करते हैं वो स्किल्स पे टेस्ट करते हैं लोगों को सॉफ्टवेयर कंपनीज और उनमें क्या होता है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो कहते हैं इंटरव्यू से तो बहुत पहले आप ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करके हैं छोटा सा प्रॉब्लम होगा ताकि आपका टाइम हाँ वो डेमो टास्क दे देते हैं ना कि यार एक कोड में मसला है इसको रन करके दिखाओ. तो होता क्या है अब जैसे हमारे यहाँ मैं बिजनेस का स्टूडेंट रहा वो हमारे ये वाली स्किल्स मेजर नहीं हो सकती तो आप कैसे वो टेस्ट करोगे मेरा. वो क्या करते हैं तो इंटरव्यू जो लेने वाला है हमारे यहाँ क्या होता है द रॉन्ग पीपल आर टेकिंग इंटरव्यूज. मैंने इतनी जिंदगी में इंटरव्यू दिए आप अपने बारे में बताएं आपका घर का क्या वो माहौल है इस तरह की बातें हो रही होती हैं और फिर जॉब भी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहा जब जिन से आपका स्विच कर लेता हूँ ये जो भी क्योंकि आई नो हाउ टू गेम द सिस्टम. जो आप सुनना चाह रहे हैं वही बात बोलूंगा. तो आपको सेल्स का चाहिए मैं तो मुझसे अच्छा तो सेल्स को ही नहीं जानता मैंने तो ये चीज की है. तो होता क्या है पीपल वांट टू गेम द सिस्टम एंड दे कैन टेक एडवांटेज. अगर सही आदमी बैठा होता है वो दो मिनट में पकड़ लेता है. आप कहते हैं मैं तो सेल्स बहुत अच्छी कर रहा हूँ आपने आखिरी सेल्स कब की थी आपको जो सेल्स थी उसमें चैलेंज किया था किससे जाके आपने बात की थी. तीन सवालों के अंदर आदमी की वो पता चल जाती है कि whether he's making something up या जो है कि वो एक्चुअल काम कर रहा है. तो जो इंटरव्यू लेने वाले दे नीड टू बी ट्रेंड एज वेल कि यार who's a pardon my language bullshit artist and who is actually legit इसको काम आता है. तो ये जो है that is also part of that building a team and a founder knows if I'm bringing somebody on board. एक तो वो होता है कि skills wise कि वो देख जाए कंपनी कल्चर बहुत छोटा होता है सब आमने सामने बैठे होते हैं एटीट्यूड कैसा है इस पर्सन का कि ये एनर्जी डाउन तो नहीं कर देगा तो वो जो है उसको वो चेक कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीजें आपकी जो है ये उसमें आ रही है. सेकंड लास्ट क्रिएटिंग अ विजन. हाउ डू यू क्रिएट अ विजन दैट इज गोइंग टू इंस्पायर पीपल. तो व्हाट वुड यू थिंक गाइस हम आइडिएशन पे जाएंगे तो उससे भी बात होगी बट हाउ कैन यू हेल्प इन क्रिएटिंग दैट विजन. वो एक आइडियल जो होता है ना कि देखो मैं ये करने जा रहा हूँ तो व्हाट डू यू थिंक यू कुड डू टू बी बेटर एट इट. उसका भी विजन कहीं ना कहीं क्लियर होता जा रहा है मुझे नहीं मजा आ रहा है या बोर हो जाता है वो सिर्फ चेक के लिए आ रहा होता है उसको सैलरी चाहिए होती है वो बेयर मिनिमम काम करके जा रहे हैं क्या फायर भी ना कर सको और उसको प्रमोट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई काम ही नहीं है वो इसमें मतलब कमेंडमेंट्स होनी चाहिए. हां नहीं ये नहीं कि आपने एक विजन रख लिया बस उसी पे आप काम करो. राइट तो पहले इनको फिर जी राइट साइड फर्स्ट एंड देन डोंट लिमिट योरसेल्फ. ओके आप एक विजन क्रिएट कर रहे हैं आप जितना उसके फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं आपको सोच सकते हैं बिल्कुल. जी जी
सोचने की अगर एक चीज मैं सोच रहा हूँ तो बस ये मैं ही सोच रहा हूँ, आपके जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं. सो यू नीड टू बिलीव इन योर विजन के लाइक आप उसमें इतना स्ट्रांगली बिलीव करें कि जो बाकी माइंडली बिलीव करते हैं वो देखें कि हाँ यार मेरा भी यही विजन है लेकिन ये बंदा एग्जीक्यूट भी कर सकता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ गेमर एंड आई एम बिल्डिंग अ गेम, तो काफी लोगों ने सोचा होगा कि यार कॉम्बैट गेम तो बननी चाहिए, कॉम्बैट गेम तो बननी चाहिए, लेकिन कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा. लेकिन जब मैं एग्जीक्यूट करने पे आऊंगी तो वो सारे लोग जिनको कॉम्बैट गेम चाहिए वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे. क्योंकि देन यू आर पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज बेसिकली. और मैं उनके विजन को भी एग्जीक्यूट कर रही हूं अपने विजन के साथ. तो ये है कि आपका विजन जो है आपके लोगों के साथ रेजोनेट करना चाहिए. और जब आप अपने विजन में इतना बिलीव करते हो कि आप उसको एग्जीक्यूट करने ही लगते हो उसने अपना जो पहला लॉन्च किया था उसे कहा था आई एम बिल्डिंग अ स्मार्टफोन किलर. उसका पहला फोन आया था $300 में और वो जो था वो सैमसंग के $800 के उसके टक्कर के स्पेक्स थे. उसके जो वन प्लस वन था उसने कहा कोई आपको असिस्टेंट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं चाहिए, हेडफोन जैक आपको चाहिए. उसने क्या किया, उसने जो वन प्लस वन आया था $320 से कितने में, उसने कहा कि देखिए ये जो बेयर एसेंशियल आपको चाहिए, अच्छा रैम, अच्छी स्क्रीन, अच्छा प्रोसेसिंग पावर, मेरे फोन में ये चार पांच चीजें हैं जो आपके मकसद की हैं. और वो क्या किया उसने, सारे फोन चले गए कि USB-C केबल और हेडफोन जैक है, मूव किया उसने, नहीं हेडफोन जैक रहेगा क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो ऑडियो फायर है, उनको गाने और वो उन्होंने 300 का तो हेडफोन ही है, तो वो जो है उनको USB-C पे हम क्यों मांग सकते हैं, गिव देम दैट टेक्नोलॉजी. फिर क्या हुआ, जब ये वन प्लस फाइव वन प्लस एट आने लगा तो ये हिलने लगे अपने विजन से और फिर लोगों ने इसको छोड़ना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा यार नथिंग फोन जो बनाया, नथिंग जो उसने बनाया वो यही है, पीपल वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी, रिप्लेसेबल पार्ट्स, नथिंग का बैटरी चेंज हो जाती है, आप उसका कैमरा चेंज कर सकते हैं. तो उसने कहा कि जो वही उसने कुछ आठ या पांच कंपोनेंट्स ऐसे कि आपको सही कराना है आप ले जाओ, वो खोलेंगे स्क्रू से सही करेंगे, एप्पल में ग्लू से जोड़ते हैं, तुम तो नहीं तुम्हारे साथ कोई भी तोड़ के घुस सकता अंदर ही, खोलोगे तो हम तुम्हारी वारंटी कैंसिल कर देंगे. तो वो ये कर, तो उसके हमेशा एक विजन लेके आता है कि ओके फाइन आई विल डिसरप्ट द गेम, आई विल चेंज इट अप, डू समथिंग डिफरेंट. और वो क्या होता है उसकी वन प्लस वन पता है पहले कैसे बिकता था, इनवाइट ओनली, आपको फोन लेना है मार्केट में नहीं है, कोई आपको दावत देगा तो आपको इजाजत है फोन लेने की. उनकी जो ऑनलाइन शॉप थी यू वुड बी गेटिंग अ कोड इफ समबडी रिकमेंडेड यू. अब आपको उसने उन्होंने 50 कोड खुद अपने जानने वालों में इन्फ्लुएंसर को बांट दिए, उन 50 के पास 3 इनवाइट होते थे, वो किसी भी 3 गिनती के दोस्त को दे सकता है. अगर हम कमरे में सारे दोस्त हैं, अब मैं कहूँगा यार मैं दे तो नहीं भी सकता हूँ लेकिन तुम फोन को अप्रिशिएट नहीं करोगे, मैं उनको दे दूंगा या इनको दे दूंगा. तो क्या करते थे वो, बड़े सिलेक्टिव होकर एक कम्युनिटी उन्होंने बिल्ड की, बड़े पैशनेट और एलीट और स्नॉबी किस्म के जो नचड़े जिनको हम कहते हैं ना, वो कम्युनिटी थी कि हमारे पास फोन ही स्पेशल है यार, हमें सैमसंग सैमसंग में डील नहीं करते, बच्चों वाले फोन है, तुम जाओ भागो आईफोन के पीछे. तो ये उन्होंने कल्चर बिल्ड किया था, बट अगेन विजन, तो दे वर्क ऑन दैट. सर आपका कोई पॉइंट था? बिल्कुल. तो वो
आपका सर आना चाहिए लेकिन आपका विजन ऐसा होना चाहिए ऑडियंस के लिए कस्टमर्स के लिए या एम्प्लॉइज के लिए जो दूसरा वाला पॉइंट था उस पर मैं टच करना चाहता हूँ। जो आपने विजन की बात की ना, अक्सर हमारे सामने ऐसी एग्जाम्पल्स आती है जो आप बिलीव नहीं करते। अभी मैं वो देख रहा था कंज्यूमर इलेक्ट्रिक शो होता है लॉस वेगास में हर साल, उसमें क्या करते हैं लेटेस्ट होम टेक्नोलॉजी की बात होती है, सोलर पंखे, शीशा जो मिरर बन जाता है, स्टोव जो कि आपको बता देगा आपके फ्रिज में कितना सामान पड़ा है, ये सारी चीजें उसमें आ रही होती है सारी कंपनीज। अभी जो पिछले कुछ 3 या 5 साल से जो भी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिजी फ्रिज जो है वो पंखे से भी बात कर रहे हैं, एसी से भी बात कर रहे हैं, आपके घर में आप एंटर होंगे एक बटन दबा देंगे आई एम होम और पंखा चल जाएगा, एसी चल जाएगा, टीवी ऑन हो जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट। तो जो एक कंग्लोमरेट है सोनी गूगल नहीं गूगल एमेजॉन एप्पल और कुछ 2-3 कंपनीज और, इन्होंने मिलकर एक एंटिटी बना दी है और मुझे नाम नहीं याद आ रहा होम है या क्या है, एक बहुत ही जेनेरिक सा नाम उन्होंने रखा हुआ है और पांचों एक ही प्रोटोकॉल पे बिल्ड कर रहे हैं ताकि अगर मैं अमेजोन डोरबेल अच्छा बनाता हूँ और गूगल राउटर अच्छे बनाता है इंटरनेट के लिए, हमारी डिवाइसेज एक साथ बात कर सकते हैं। ये नहीं हो कि अमेजोन अपने 12 प्रोडक्ट्स बना रहे, गूगल अपने 12 प्रोडक्ट्स बना रहे, एप्पल अपने प्रोडक्ट्स बना रहे, उन्होंने कहा हम एक ही प्रोटोकॉल लैंग्वेज बिल्ड करते हैं और उस पे सारे कम्युनिकेट करें। सर गूगल होम के नाम से गूगल होम तो गूगल का अपना है, लेकिन इस पे तुम मैं तो अभी ब्रेक होगी ना 5 मिनट ना, मैं जस्ट राइट इट डाउन समझ ताकि मैं फिर वो सर्च करूं। गूगल होम में बाकियों के भी यूज होते हैं लेकिन मेरी वाली बात है प्रोटोकॉल डिफरेंट है तो सर्टेन डिवाइसेज आर नॉट कंपैटिबल, तो उन्होंने एक ही लैंग्वेज के ऊपर बिल्ड करने का ये सबने अग्रीमेंट साइन किए कि हम लोग मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो सर बात करें इंक्लूसिविटी की, If you look at it, it is harmful for a brand. अगर मैं Google हूँ, मैं तो कोशिश करूँगा मेरी घड़ी, मेरा पंखा, मेरा फोन, मेरा राउटर ना चाहिए, मेरी उसकी प्रोडक्ट हूँ। बट उन्होंने ग्रेटर गुड को देखा, उन्होंने कहा यार देखो हम सबका नुकसान है, अब 50 कस्टमर जो है वो 5-5 कंपनियों पे जा रहे हैं, रैदर देन कि हम एक ही वो बना के वी क्रिएट द बेस्ट प्रोडक्ट्स जिसकी जो डोमेन में हो और लैंग्वेज और जो सिस्टम है वो एक ही रखें। तो दैट इज समथिंग दैट दे आर वर्किंग ऑन, इट गोज बैक टू दैट इंक्लूसिविटी। द फाइनल पॉइंट हियर वाज एम्बेसडरशिप, you need to be the best ambassador. अगर आपकी अपनी presentation skills या अपने आप को बेचना या अपने आप को sell करने को skills, how do you make that better? How do you become good at doing it? Yes. एक चीज़ जो मैं देखी है ना, people want to be like you know different. Yes. Like इसके पास अगर वही चीज़ है तो loses its meaning. जैसे सादा पे का आप देखते हैं ना, they created an illusion के भाई जो है ना ये exclusive members हैं, हालांकि हर कोई important है, but हमें feeling आती है कि नहीं भाई हम जो है ना अलग है क्योंकि हमारे पास सादा पे का founders करते हैं। तो present करते वक्त आपको जब आप देखते हो तो उनको ये भी feel होना चाहिए कि भाई ये एक तो चीज इतनी अच्छी है और ये चीज सिर्फ हमारे पास है, तो ये चीज जो है ना तो ये तो आपकी मैसेजिंग में आ जाती है कि आपका जो मैसेजिंग का जो मीडियम है, जो मॉडल है, कैन यू कन्वे दैट टू समबडी, क्योंकि यू ऑलरेडी बिल्ट द विजन एंड यू गॉट द टीम एंड एवरीथिंग अराउंड यू, बट सेलिंग दैट आइडिया, सेलिंग इट सो दैट पीपल डोंट मेक अ जोक अबाउट यू, बट जैसे यार आई एग्री विद देम, वी नीड टू चेंज, वी नीड टू डू दिस, गिव देम अ चांस, ये इसका प्रोडक्ट लेके देखते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। तो ये जो चीजें होती हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एम्बेसडरशिप इज इन लाइक व्हाट एल्स कैन यू डू टू बेसिकली बी बेटर एट प्रेजेंटेशन या वो जो है व्हाट आर ये तो दिस इज क्लास में भी उसको भी कहा जाता है अच्छी कैसे प्रेजेंटेशन आप देते हैं। हम इस पे दो चीजें होती है, लाइक यू नीड टू नो योर ऑडियंस, सम पीपल आर देयर टू नो के लाइक क्या ये आपका आइडिया चेंज ला सकता है, एंड सम पीपल वांट टू नो इफ योर आइडिया इज फन, राइट, ठीक है ना, कि अगर मैं कुछ लोग जो है जो सीरियसली मैनेज कर रहे हैं कि भाई ये चेंज ला रहा है सोसाइटी को बेटर बना रहा है, तो मैं उनके सामने उस तरह से प्रेजेंट करूं, बट सम पीपल आर लाइक लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट के लाइक डज दिस एक्साइट पीपल, जो मार्केट है वो उस तरह की है, तो मैं उसमें उस तरह की अगर कोई प्रेजेंट करूं लाइक कोई फनी जोक्स एड, मतलब जो आपके ऑडियंस का टेस्ट है आप उसके हिसाब से टीचर्स को भी हम देते हैं, अगर कोई बिल्कुल सीरियस टीचर है तो हम प्रेजेंट उस तरह से, कोई टीचर है जो फ्रेंडली होता है तो हम उसमें
आपको अगर ऑडियंस पता था, अगर स्टीव जॉब्स आता था स्टेज पे, उसको अपने सामने जो गेस्ट होते थे वो क्यूरेटेड होते थे, वो टेक जर्नलिस्ट और वो होते थे, उसको पता होता था मैं कौन से ट्रिगर करूंगा जिससे ये लोग एक्साइट हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, I hold in my pocket something revolutionary. Here is the future of now. Phone है उसके हाथ में यार. लेकिन सब पागल जाते थे यार, इसने क्या कर दिया, वो एक mind blowing method है. जी मैम. Sir, for being an investor, it is important कि आप fearless हो. हाँ. दूसरा ये कि you believe in yourself. Right. कि आप जो बता रहे हो या अपने idea के बारे में बता रहे हो, should believe in yourself कि आप बता क्या रहे हो. क्योंकि जब आप stage पर खड़े हो, खुद पर आपको भरोसा नहीं कि आप क्या बोलने वाले हो. आपके पास तैयारी नहीं है, तो आपका पॉइंट सही है वो, समटाइम्स इवन पीपल डू अ लॉट ऑफ होमवर्क और स्टेज पे जाके उनको स्टेज फ्राइट हो जाती है, वैसा होता है, तो एक चैलेंज ये रहता है. लेकिन क्या होता है, जितनी आप प्रिपरेशन करके जाते हैं, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, आप घर में, हम लोग जब स्कूल में आईने के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करें, हंसी आती थी अपने आप को देख के, तो वो मेरे लिए कभी इफेक्टिव नहीं था. लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को बिठाता था और कहता था यार देखो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब वो जो है, अब वो फिर वो सुन भी होती थी, वो करती थी, नहीं आपने ये सही बोला वो, तो फिर उससे मैं प्रैक्टिस करूँ. एवरी वन हैज देयर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल, बट यू कैन वर्क अराउंड इट. आप कुछ ऐड करें? मुझे आप दुनिया के सबसे सीजन प्रेजेंटर क्यों ना, पहला मिनट घबराने का, जो आप पेपर चढ़ते हैं आपको पता चलता है ऑडियंस रिस्पॉन्ड कैसे करेगी. नाउ इट इज इन योर कोर्ट टू विन एवरीवन ओवर. इफ आई सी यू गाइस स्माइलिंग, मुझे सुकून हो रहा है कि यार चलो सही, मेरी शिकायत नहीं जाने वाली है, तो टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है. लेकिन अगर मुझे नजर आ रहा है सब शक्ल बना के बैठे हैं कि यार ये टाइम कब, घड़ियां देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं पैनिक करने लगूंगा, फिर होगा कि यार मैं तो फंबल करूंगा, आई विल मेस अप और डू समथिंग लाइक दैट. बट गोइंग बैक टू दैट एम्बेसडरशिप वाला जो वो हमारा था, बीइंग फियरलेस, हैविंग अ विजन, कम्युनिकेटिंग दैट क्लियरली. व्हेन स्टीव जॉब्स स्टार्टेड सेलिंग द आईपॉड, तो जब वो आईपॉड लेके स्टेज पे आए, ही शोड के देखें ये आईपॉड लाए, दिस विल रेवोल्यूशनाइज म्यूजिक. किसी ने ऑडियंस में खड़े होकर नहीं कहा यार एमपी3 प्लेयर तो 3 साल पहले आ गए थे, तो तुमने कौन सा ऐसा तीर मारा है? क्यों? क्योंकि द वे दैट ही सोल्ड हिज विजन वाज दिस इज नॉट एन एमपी3 प्लेयर. अगर आप उसे कह रहे हैं एमपी3 प्लेयर, वो चमाट मार देता है, एमपी3 प्लेयर बोल रहे हो मेरे प्रोडक्ट, मैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसके पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, उस पर आप डेटा ट्रांसफर, एमपी3 भी यही काम करता है बाय द वे. बट ही वाज सेलिंग आप मैक से कनेक्ट करोगे आपकी लाइब्रेरी सिंक हो जाएगी, और वो तो ही वुड सेल इट इन अ वे कि that vision or that ecosystem that he was building with Apple was conveyed. कि देखिए यहाँ पे iPod नहीं ले रहे हो, आप इसके साथ पूरी Apple का एहतमान ले रहे हो, आपके गाने जो आपके लैपटॉप पे या आपके मैक पे रखे हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे जैसे ही आपने तार कनेक्ट किया. तो दैट वॉज द थिंग दैट ही वॉज सेलिंग. एंड वो जो एम्बेसडरशिप की बात आती है, आप अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करते हो. द फर्स्ट iPhone डिडंट वर्क बाय द वे, उसमें बग्स थे, क्रैश हो रहा था, सब हो रहा था. दूसरा आया उसे कहने ये वाला उससे भी बेहतर है, ये नहीं का पिछला वाला खराब है, कह रहे हैं नहीं ये उससे बेहतर है. तीसरा आया उसने, ये उससे भी बेहतर है. हर साल आप देखें जो अब तो रनिंग जोक है, जो सैमसंग वाले और एंड्रॉइड है, वो तो कहते हैं ये तो 3-3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी ला के एप्पल पूरा इवेंट कर देता है. नाउ वी हैव एनएफसी जो एप्पल में 5 सैमसंग में 3 साल पहले आ चुका था, 4 साल पहले आ गया था. बट दे सेल द इकोसिस्टम अराउंड इट. वो ये नहीं कहेंगे एनएफसी इज नाउ इन एप्पल, वो कहेंगे नाउ यू कैन मेक पेमेंट्स इन द ग्रोसरी स्टोर विद योर एप्पल अकाउंट. चीज वो ये बात देख रहे हैं, क्योंकि गूगल का पेमेंट का कोई गेट भी नहीं, वो आपके कार्ड को ही चार्ज कर रहे हैं. एप्पल का कार्ड आप ले सकते हैं, दिस बिकम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एप्पल अपनी ही पेमेंट प्रोसेसिंग कर रहा है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर कंपनी, वो आपको लोन भी देने लगेगा 1-2 साल. दे आर लुकिंग एट इंश्योरेंस एंड ऑल दीस अदर प्रोडक्ट्स एज़ वेल. तो ऑल दीस थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, द पॉइंट बीइंग नथिंग इज स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम बिकमिंग अ फार्मर. द पॉइंट ही होता है, वी फील कि देयर सर्टेन थिंग्स दैट आई एम नॉट गुड एट और आई एम गुड एट, एंड वो एंड दैट बिकम्स अ रोड ब्लॉक. जो मैंने पॉइंट अभी बताया था, आई सेड आई विल टॉक अबाउट इट, फाइनेंशियल सैविनेस. आई एम नॉट फाइनेंशियली सैवी, पैसा मुझे नहीं हैंडल करना था. कभी जो है बहुत अच्छा महीना गुजरेगा, आई सेव मतलब करूंगा, और फिर मैं जाके कोई बेवकूफी की कोई अप्लायंस या सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज पर सब्सक्रिप्शन ले लूंगा जिससे $50 $80 आए होंगे. तो व्हाट आई हैव डन इज, व्हाट इज माय क्योर, माय वाइफ बेसिकली मैनेजेस माय फाइनेंसेस. मैंने सारे कार्ड और उसको दिए, मैं खुद अलाउंस पे रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 5,000 से आगे ऊपर की स्पेंडिंग आएगी तो जाके बेगम से मांगना पड़ेगा. क्योंकि आई नो माई वीकनेस, आई नो आई नॉट गुड विद मनी, शी डज लाइक आई फोल्ड इट, डोंट ट्रस्ट मी विद एनी कार्ड.
क्योंकि हो सकता है मैं जाकर ऑनलाइन कोई जोश में आके कोई सब्सक्रिप्शन या कोई चीज ले लूं, नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, वो कहते हैं भाई डाउनलोड कर लो टॉरेंट, पैसे क्यों स्पेंड कर लो, जो नहीं है तो ये वाली चीजें जो, तो यू नीड टू नो अगेन आपकी वीकनेस क्या है एंड देन यू क्रिएट अ सॉल्यूशन अराउंड दैट व्हिचएवर वर्क्स फॉर यू. मैं ये नहीं कह रहा सब शादियां कर ले सिर्फ पैसे मैनेज करने के लिए, बट फाइंड द राइट पीपल, शी इज माई टीम मेंबर, आई ट्रस्ट हर, तो मेरा दैट वर्क्स अराउंड फॉर मी. तो नहीं, मेरी वाली बचाती है, मैं दूसरों के लिए कोई जमानत नहीं दे रहा. तो हियर सम स्टोरीज बेसिकली कि व्हेन वी थिंक अबाउट फाउंडर्स, हमारे ध्यान में इमेज होता है वैसे रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो दे लुकिंग फॉर मोर ओल्डर फाउंडर्स, जो आपके सिकोया कैपिटल हो गया, टाइगर कैपिटल, ये जो सारे बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, दे लुक फॉर ओल्डर फाउंडर्स. क्यों? क्योंकि उनको होता है ये लोग थोड़े सीजनड हैं, इनके मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इनका प्रोडक्ट चलेगा. बट दैट्स नॉट ऑलवेज द वे दैट वर्क्स. तो गूगल फॉर एग्जाम्पल, स्टैनफर्ड, हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, स्टैनफर्ड के डॉर्म में दोनों दोस्तों ने बनाया था, लैरी पेज सर्जे ब्रिन दोनों स्टूडेंट्स थे, रिसर्च पेपर लिख रहे थे, टर्न्ड आउट कि जो उनका प्रोफेसर एक था, ही इज कॉल्ड द बिलियनियर प्रोफेसर, उसका नाम है डेविड चैरिटन, पता नहीं प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं कैसे करते हैं, डेविड चैरिटन जो है वो बिलियनियर प्रोफेसर कहलाता है, उसके पास इतना पैसा है और वो कुछ स्पेंड नहीं करता, वो अभी तक प्रोफेसर वाली जिंदगी गुजार रहा है, कमरे में किताबें भरी हुई हैं. वो क्या करता है, वो जो भी स्टूडेंट्स का प्रॉमिसिंग स्टार्टअप होता है, कहता है यार ये लो $10,000 करके देखो, और वो क्या करता है उसके बदले में 5% 10% इक्विटी कंपनी की ले लेता है कि बेटा फ्री में कुछ नहीं दे रहा, ये नहीं है $5,000 $10,000 दिए जाके चाय हम उसे खा के आगे वापस सर सॉरी कहते हैं, वो इक्विटी भी लेता है कंपनी में. वो जो उसकी कंपनीज है वो जाके बनती है गूगल और कोई बड़ी बड़ी और जो कंपनीज है, और वो क्या करता है उसका उसका क्योंकि शेयर होता है, एनी टाइम जो कंपनी गोज पब्लिक घर बैठे बैठे आपको 500 मिलियन 300 मिलियन के चेक आ जाते हैं कि सर ये आपकी अमानत. तो ये जो है, तो गूगल वाज अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम टू गाइस रिसर्च प्रोजेक्ट. जी फेसबुक भी, हाँ सॉरी गूगल है फिर फेसबुक है. फेसबुक का क्या था, हार्वर्ड ड्रॉप आउट. एक तो बाय द वे डू नॉट बिलीव द ड्रॉप आउट मिथ, ये जो होता है ना हर स्टूडेंट कहता है कि हम तो ड्रॉप आउट करके भी बिजनेस बनाएंगे, ये जो सारे थे ये गूगल से फेसबुक से हार्वर्ड और स्टैनफर्ड से ड्रॉप आउट हो रहे थे, लसबेला यूनिवर्सिटी IBA यहाँ से ड्रॉप आउट नहीं हो रहे थे. तो इन लोगों के लिए जो है ना आप इनको मिसाल मत बनाए, इनके अम्मा अब्बा भी पैसे वाले थे, तो उनके भी अम्मा अब्बा पैसे वाले थे. तो डू नॉट बिलीव दैट ड्रॉप आउट मिथ, यूनिवर्सिटी डिग्री इज इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो बिल्ड अप अदर स्किल्स. तो फेसबुक का क्या था, हु नोज फेसबुक का पहला पर्पज क्या था, पहला पर्पज क्या था फेसबुक का, नहीं और वो क्या कर रहा था, उसने लड़कियों की पूरी वो डायरेक्टरी बनाई थी यूनिवर्सिटी की और लोग रेट करते थे यार ये 5 है ये 10 है ये 2 है ये कर रहे थे ये लोग. अब आप बताइए ये कंपनी को कोई इन्वेस्टर मतलब छुएगा भी ऐसी कंपनी को, पूरा उसने मॉडल चेंज किया, उसने पहले हार्वर्ड से स्टार्ट की. Yes. पेज बनाना था और वो दो स्टूडेंट्स के पेज था, तो उन्होंने देखा कि ये इसने एल्गोरिथम बनाया तो उसने उनको इनवाइट किया कि हमारे साथ काम करो और मार्क ने उनका आईडिया चला दिया जिसके वजह से सोशल नेटवर्क जो पूरी मूवी उसी पे ही बिल्ट है, वो जो विंकल वॉस ट्विंस थे और वो था लाइक ही हैड अदर पीपल अराउंड हिम बट द कोर थिंग वाज अगेन स्टार्टेड आउट विद बीइंग अ रेटिंग बेस्ड सिस्टम के हम लड़कियों को करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने जब पिवट किया एंड दे बिल्ट अप अ न्यू बिजनेस, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों को कनेक्ट करेंगे. दैट इज द स्टोरी दैट इज सर फेसबुक इज कनेक्टिंग पीपल. स्टडीज हैव शोन कि फेसबुक डिवाइड्स मोर पीपल देन पॉसिबल. आपके घर में होता है आपको पता चलता है यार ये तो फलां पार्टी का सपोर्टर है, ब्लॉक डिलीट मारो इसे तो सुनना ही नहीं है. अब आप घर वालों में फड्डा हो गए बिकॉज ऑफ माइक्रो हैबिट्स, यार इसको ये वाला बैंड पसंद है मैं तो इसको अच्छा आदमी समझता था, तो भाई गाने से वो आदमी पे आपको इल्जाम लगा रहे, पर हो सकता है मुझे फला कोई म्यूजिशियन पसंद हो या कोई ब्रांड पसंद हो, वो लोग एक दूसरे से नफरत है. सोशल मीडिया itself is very toxic and Instagram के ऊपर तो बाकायदा इनको lawsuit हो चुका है Facebook Meta की company है कि the US Congress या Senate is asking them questions about it. आपको पता था कि young लड़कियों के दिमाग पे क्या असर होता है with these unrealistic images of beauty and paisa and वो how were you allowed to operate? Why was this going on? आप notice करें YouTube ने for example पहले एक thumbs up और thumbs down का option दिया था, अब वो number नहीं दिखाता उसके साथ, वो thumbs up तो दिखा देता है thumbs down नहीं दिखाता. क्यों? क्योंकि पीपल वर रिव्यू बॉम्बिंग. अब मुझे नहीं पसंद कोई सेलिब्रिटी, मैं जाकर उसके पेज की रेटिंग की ऐसी तैसी कर देता था आउट ऑफ रिवेंज. तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है बट अगेन स्टार्टेड आउट टू बी समथिंग टोटली डिफरेंट. अगेन स्टूडेंट प्रोजेक्ट था.
ये स्नैपचैट है, व्हाट इज स्नैपचैट डूइंग? सारे जवाब मुझे पता है जी. स्नैपचैट बेसिकली इसलिए लाइक है कि लाइक कनेक्टेड है, लेकिन आप वो फोटोज के थ्रू कनेक्ट हो, लाइक स्ट्रीक्स भेज दिए. बट व्हाट वाज इट बिल्ट ऑन? इसका जो पहला फीचर था सर, ये भी इसने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से बनाया था, ताकि वो क्या नाम है, ये काफी सेफ था बाकी वेबसाइट. सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मैसेजेस. तो मेरी क्लास में होता था, टीचर की हम तस्वीर लेते थे, दाढ़ी मूछ बना के एक दूसरे को भेजते थे, और फिर जब टीचर आया फोन देखो खाली कुछ नहीं है उसमें. तो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मैसेजेस और ये सब इसमें उसने किया था. अगेन स्टार्टेड आउट विद द बेसिक शोगल वाला मशगला, फिर इससे पिवट करके कहा यार हम लोग सीरियस कंपनी बनी नहीं सकते अगर हमारे पास सारे शपाटर और इस तरह की जो आवाम जो होती है वो आएगी. वी नीड रिलायबल सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. स्टार्टेड आउट एज अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट. अभी जो मैं नाम लूंगा दिस विल बी स्लाइटली सरप्राइजिंग. रेडिट. How many of you know what Reddit does? Aam ya mere kisi aur se? Ji aap. Wo table kafi khamosh hai. So ji. Reddit is basically a forum jahan pe aap apne reviews dete ho, jaise aap koi question pucho. For example, Quora. Right. It's a forum like. To Quora ka ye hota hai, it is where you ask questions and वैसा in a more journalistic style. Reddit ka ye hota hai, it's more a community based thing. Ke jo hai na, ki aapko duniya bhar se wo upvotes, downvotes bhi ho rahe hote hain, वैसा होता है. Reddit jab wo create hua tha, जो फाउंडर्स थे उन्होंने जो पिच किया था आइडिया टू सम अदर पर्सन, नाम नहीं याद आ रहा था उसको, उन्होंने ये बेचा था कि हम एक रेस्टोरेंट की रेटिंग एप्लीकेशन बना रहे. उसने कहा यू बिल्डिंग द फ्रंट पेज ऑफ द इंटरनेट. तो उस पर उनको समझ में आया अच्छा ये नहीं, हम ये करते हैं, लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ लोग आके अपनी न्यूज, अपनी इंफॉर्मेशन वो सारी पोस्ट करें, देन अदर पीपल कैन टॉक अबाउट इट. जो पैशनेट टॉपिक्स है ना, किसी कोई फूडी है, कोई वीडियो गेमर है, कोई फॉर एग्जांपल somebody likes to make sculptures or something, communities create हो गई सारी उसके ऊपर जहाँ लोग अपनी engaged discussion हो रही है पूरी hobbyists पर, वो उनको उन्होंने उस पर gather किया. And then this one, Time magazine. So Time magazine was started from a university. उन्होंने university के लिए एक magazine बनाई थी, उसको publish कर रहे थे university से. But this is a couple of years old, like 1970s. जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी और उसके लिहाज से मोस्ट ट्रस्टेड मीडियम. तो क्या होता है अगेन स्टार्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट. तो पॉइंट बीइंग योर विजन विल ऑलवेज चेंज, योर बिजनेस विल ऑलवेज चेंज. But the point is, start building up your community. कि अगर आपने कोई अपना एक product बनाना है, कोई service बनानी है, जो भी चीज़ है, there's nothing stopping you from starting even today. बस आपको क्या करना है, you have to just make sure कि जो भी vision आप build करें, it is connecting with the right people at the right time. ताकि आप उसका benefit ले सकें. तो here just some stories. Ed Casa का नाम सुना है किसी ने? Ed Casa, पाकिस्तानी startup है. इनकी funding हुई थी अभी $320,000 की. इन्होंने क्या किया, TikTok और उसकी वीडियोस के थ्रू एग्जाम प्रिपरेशन शुरू किया है. तो ये होता है कि आपको उस पर अगर आप इनको फॉलो करें तो CSS का एग्जाम, MCAT, LLB, मतलब जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए कंटेंट बना के एक मिनट दो मिनट की वीडियो में एक्सप्लेनर वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट जनरेटेड बाय द यूजर्स. और वो क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और उससे क्या होता है लोगों को फायदा होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. अगर आप उस पर फिल्टर लगा दें आपको सारे उस पर एक एक दो दो मिनट के साउंड बाइट्स और वो मिल जाते हैं कि देखो इस सवाल को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, इसमें ये सवाल पूछा जा रहा है, ये जो भी. तो इनको ये लंग्स का कोई स्टार्टअप था, उनको फंडिंग मिली है इसके लिए. वाईपे के फाउंडर को मैं जानता हूँ, बहुत मेहनती लड़का है. इन्होंने क्या किया, सरफराज और फुरकान के भाई दोनों अलग यूनिवर्सिटी, आई थिंक सेम थे, हबीब के थे, हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं. इन्होंने भी कुछ 7 figure रेज किए फंडिंग. इनका क्या एप्लीकेशन है, ये कहते हैं यंग लोगों से कोई भी बात करा पैसे सेव करने के बारे में. जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या वेल्थ मैनेजर्स हैं वो टारगेट करते हैं दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि जी आप आरएफ हबीब के म्यूचुअल फंड ले लें, आप मीजान के ले लें, जो भी. यंग बच्चों से कोई बातें नहीं कर रहा है और सबको शिकायत है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है. कह रहे हम जब पैसे स्पेंड करने को सेव करने भी जाते हैं तो कोई हमें सीरियसली रेट ही नहीं दे रहा अच्छा. तो वाईपे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये, आप जाएं ऐप डाउनलोड करें और अगर आप समझे कोई म्यूचुअल फंड में उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम 5,000 rupees, 10,000 जो भी आपकी इस्तेदाद है आप उस हिसाब से उसमें एंटर हो सकते हैं. देन यू बिल्ड दैट हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड सेविंग मनी एंड दे विल फाइंड यू द बेस्ट डील. क्योंकि इनका आरएफ हबीब से, एकेडी से, उन सबसे डील हुआ है कि हम आपको नए कस्टमर्स ला के दे रहे हैं, आप इनको उसी तरह ट्रीट करें जिससे आप किसी प्रोफेशनल इदारे को करते हैं.
और थ्रू द ऐप वो सारी चीजें मैनेज हो रही है. सो देयर वन स्टार्टअप व्हिच आर डूइंग दैट. देन द थर्ड वन इज चिराग. ये जो है ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है. ये कहते हैं जैसे डोरा द एक्सप्लोरर हुआ करती थी, हम भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उर्दू और उसके जबान में, जो उर्दू सराइकी पुश्तो पंजाबी, उस पर हम वीडियो कंटेंट बनाएंगे और ऐप और वीडियो टिप्स हम बच्चों को सिखाएंगे. तो इन्होंने भी जो है अभी इनका आइडिया मोरक्को में दिया है. तो ये कि इट्स अ रिलेटिवली यंग स्टार्टअप, कुछ 6 महीने 1 साल हुआ इनको ऑपरेशन में आए थे, लेकिन ये कि इनकी यूट्यूब चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है और ये उस पर काम करें. तो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से ही होता है. आपकी जर्नी जो है इट डजंट मीन कि पहले साल आपको 100 मिलियन का कोई चेक आके दे, मगर क्या होता है आपको पहले कस्टमर बेस बिल्ड करना होता है. यू हैव टू बिल्ड दैट कोर कम्युनिटी अराउंड यू एंड फॉर दैट टू हैपन यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग. सही. तो आइडिएशन का आता है इफ यू ट्राई टू थिंक. ये उसका है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड एयरबीएनबी? एयरबीएनबी का किसी को पता है? एयरबीएनबी तो आई एम गेसिंग एवरीवन नोस. तो होटल सर्विस है बेसिकली. उन्होंने नोटिस किया था इसकी क्या स्टोरी, ब्रायन चेस्की ने कैसे स्टार्ट किया था Airbnb. Does anyone know his story? Yes? Yeah, Brian Chesky was in San Francisco. There were very expensive hotels. And there was a convention, so there were hotels like that. So there were $300 hotels. What did he say? In our house, there were 2-3 friends. The room was empty. We put it online. People want to come. Because there was a convention. What did he say? कोई 5-10 दोस्तों को जमा के उनकी प्रॉपर्टीज ली, उसको दिखा दी कि भाई कमरे अवेलेबल हैं, आपको हम सिर्फ एक मैट्रेस दे देंगे, आप आओ सो उठ के चले जाओ कॉन्फ्रेंस में और हम आपसे लेंगे $100. वो ले रहे $300 होटल के. तो ये इसने स्टार्ट किया था एयरबीएनबी से. एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट आपको हम वो कर देंगे, सुबह वॉफल या पैनकेक खिला के पारक कर देंगे $100 के अंदर. क्या हुआ, पहली दफा जब इसने लॉन्च किया साइनअप हो गए 50 से कितने ऑर्डर आ गए इनके पास. इनको पता चल गया हमारा आइडिया वर्क कर रहा है. And then they started building the app. कोई 3 दफा इन्होंने launch किया नहीं चला, 4th दफा launch पे फिर pick up हुआ ये, और अब तो मतलब it's doing really well. क्योंकि ये जो hotel industry है उसकी नजरों में आ गए as a serious competitor. क्योंकि उनको भी अपने आप को change करना पड़ा है tech की side से और उसकी side से. पहले hotel आप जाते थे तो वही process होता था कि जी आप walk-in करें, कमरा available है कि नहीं है, ये सारी चीजें. अब उनको tech के ऊपर दीजिए, कम अपनी booking करके सीधे कमरे में चले जाएं, आपको जरूरत नहीं रुकने की, फोन के थ्रू आपकी लॉगिन हो जाती है. ये सारी चीजें इन्होंने एयरबीएनबी की वजह से करना शुरू किया. खाली प्रॉपर्टीज हैं, अब आप किसी को किराए पर उठा के दें तो आपको 40,000 मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे. ये क्या करते हैं, ये 4,000-5,000 रुपए पर डे पे सेट करते हैं. 10 दफा भी अगर किसी ने आपको उठा लिया तो वो क्या है, और अच्छी बात होती है क्योंकि कोई रह नहीं रहा तो खाली करने का मसला नहीं है. वो आपने उसको बड़ा डिलक्स वो बना के लेकिन चार्ज एक डिसेंट अमाउंट. अभी ये पर्सनल स्टोरी है, अ फ्रेंड ऑफ माइन केम फ्रॉम द स्टेट्स, वो उसको शादी कर ली थी यहाँ, तो फैमिली आ रही थी पूरी, तो 10-12 लोग थे, और वही तो उसने मुझसे कहा होटल मालूम करके बताओ. तो मैंने उसको बताया कराची में अवारी है, पीसी है, वो उनकी लिमिटेशन होती है कमरे में 3 से ज्यादा लोग नहीं ठहर सकते. वो उसने क्या कि एयरबीएनबी पे जाके मतलब कराची में ही 2 घर ले लिए, और वो क्या बराबर बराबर के करीब के थे, और इन्होंने क्या कि पूरे पूरे फ्लोर बुक करके अपनी पूरी फैमिली को ला के ठहरा दिया, और उनको तकरीबन वो 2 कमरों के बराबर पड़ रहा था जो इनको वहां पड़ता था किसी 5-स्टार होटल में. उसमें मैं गया उसके यहाँ देखने तो देखा 50 इंच का स्क्रीन लगा हुआ है, हर कमरे में स्प्लिट एसी है, वो बड़ा ही डिलक्स किस्म का था गुलशन के अंदर. लेकिन ये था कि वो जो है वो 1 कमरे के बराबर था जो उनको पूरा एक फ्लोर मिल गया था. तो ये जो चीज होगी एयरबीएनबी ने आपको डिस्टर्ब किया. तो इसकी स्टोरी यही, वो कहते व्हेन आई वाज बिल्डिंग अप दिस, अगर मैं सोच रहा था यार मुझे एक अच्छा आइडिया है, मैं इंस्पिरेशन ले गया, तो वो मेरा बिजनेस बन ही नहीं पाता. इसने कहा मुझे क्या मसला होता है, मैं अपनी गिफ्ट क्या मसला देख रहा हूँ, और आप शुरू ही वहां से करते हैं. तो व्हेन वी गोइंग टू टॉक अबाउट आइडिएशन, हम स्टार्ट ही इस पॉइंट से करेंगे, यार मसले हैं क्या सोसाइटी में, व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग दैट कैन बी सॉल्व, और वो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर वाली हैट आएगी कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं. तो सर प्रोग्राम का पूछा था डू वी हैव अ ब्रेक इन बिटवीन, या क्योंकि मैंने कहा कि ये फिर ब्रेक ना हो ना उसमें. अभी क्या टाइम है? आइडिएशन प्लस 30 फ्रॉम 30 बात है. फिर ना तो चलिए इसको आधा वो कर लेते हैं और फिर हाँ ठीक सही. तो नाउ दैट वी नो के फाउंडर्स का जहां तक वो बात है कि आई एम होपिंग कि यू आर ऑल प्रीटी कंफर्टेबल नोइंग व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू व्हेन यू आर गोइंग टू गो पिच योर आइडिया कॉम्पिटिशन के अंदर या वैसे भी. आपको पता होना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. फाउंडर जो है दे शुड लुक कि दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट,
सर से मेरी बात हो रही थी, नहीं कहा कि उनको जो है वो काम खुद आना चाहिए, ये नहीं कि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं यू डोंट नो हाउ टू कुक, लाइक यू शुड बी वन ऑफ द पीपल एक्चुअली क्रिएटिंग द रेसिपीज एंड डूइंग समथिंग अलोंग दोस लाइंस, ताकि कंट्रोल रहे आपका बिजनेस के ऊपर. तो फाउंडर्स को ये सब स्किल्स वगैरह भी आनी चाहिए, एंड देन ऑल्सो हु आर द पीपल अराउंड यू. हम लोग एक ट्रेंड यूज करते हैं सोलोप्रेनर्स के नाम से, वो होता है कि एक सिंगल पर्सन कंपनी चला रहा है, वो सबसे ज्यादा लाइटिंग पे फेल होते हैं. मेरा मूड नहीं होगा मैं बंद कर दूंगा, लेकिन जब तीन चार लोगों के एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट है तो फिर होगा यार नहीं इसको चला के देखना, वी हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल, मेरी कोई वीकनेस है तो दूसरा ओवरकम करेगा. तो वी विल ट्राई टू डू दैट एक्स्ट्रा पुश यू हैव टू कीप इट गोइंग. सिंगल पर्सन गिव्स अप वेरी इजी. यस मैम, इट्स लाइक और सबसे ज्यादा होता है इन एनवायरनमेंट लाइक आवर्स जो पाकिस्तान है, हर बंदा चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है. तो अगर आपको नहीं पता मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो हम लोगों के क्योंकि मैं एक बिजनेस स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, हमारा स्टार्टअप है, स्टूडेंट्स हैं जो कभी जूड़िया बाजार और इस तरह की मार्केट में वहाँ गई नहीं है, और वो होलसेल मार्केट होते हैं. अब वो बच्चा आके कहेगा जी मैं ये जूते लूंगा, और कितने के लोगे जूते की मैंने कॉस्ट लगाई 1200 रुपये, हमने कहा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जो खेपी हैं जो कंटेनर आ रहे हैं और फुल हैं वो तो वजन के हिसाब से जूते लेते हैं, तो उनके जो है वो तो जो क्वांटिटी है वो तो 1200 रुपये तो बनती नहीं, वो तो 300-300, 200-200 के उनको जूता पड़ रहा है. तो हमारे यहाँ एक मार्केट है लाइट हाउस के नाम से, जो जूतों की बहुत बड़ी मार्केट है. आप उधर जाएं आपको आर्मी बूट्स, आपको अमेरिकन ब्रांड की कॉपी सब मिल रहे हैं वहाँ पे, और आप उसे निगोशिएट करने बैठे तो जो 4000 से शुरू करता है वो 800 रुपये में भी दे देता है जूता. आप बात तो करो करते करते आप उससे जो है वो 800 रुपये की भी जूते ले जाए और वो आपको दे देगा खुशी खुशी. तो वो जो है कि मार्जिन बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में गए ही नहीं, उनको पता ही नहीं है मार्केट में अवेलेबल क्या है, किस रेट पे अवेलेबल है. तो गोइंग टू दोस हब्स, और उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, आप जाए बैठे टाइम स्पेंड करें. मेरा एक दोस्त था वो वेंट इनटू द राइस का बिजनेस, वो कोई 6 महीना फसलों पे और उस पे बैठा कि यार मैं देखूँ तो ये वो क्या रहा है यहाँ पे, किन लोगों से बात होती, कौन आके इनसे डील कर रहा है फार्मर से. तो वो जो है जब वो अपनी मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहा था, फिर वही वाला होता है कि फार्म्स और प्रोडक्ट प्रोड्यूस उठाएंगे और जाके शहरों में बेचेंगे, उसने कहा इनको अप्रोच कौन कर रहा है. फिर उसको एहसास हुआ कि जो लोग इनके पास आते हैं इनसे सामान उठाने, वो सिर्फ वो नहीं उनके बैंक का रोल भी प्ले करते हैं, वो इनको फंडिंग देते हैं उसके लिए पेस्टिसाइड के लिए. ये जी आपको कुछ कहना है? हाँ प्लीज. के लिए मुझे मार्केट में जाना पड़ता है, जैसा अभी आप कह रहे हैं कि मतलब पता ही नहीं होता. तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी मदर के साथ अपनी नानी के साथ मार्केट में गई हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हाउ टू लाइक जो पैकेजिंग है उसको किस किस्म का, लाइक मेरे पास पिंटरेस्ट की एस्थेटिक्स थी लेकिन पाकिस्तान में इट्स नॉट अवेलेबल, तो मुझे क्या करना है. तो मैंने उनके साथ डिस्कशन किए और अब लाइक वन ईयर होने वाला है ब्रांड को, लेकिन सोली काम करने का नुकसान वो ये कि गिवअप करने का हर महीने दिल करता है कि बस सब पास हो, लेकिन उसमें एक्सपैंड करना, उसमें अपने साथ इन्वेस्टर्स को लाना, दैट इज माय लाइक जो भी मेन मेरा गोल है वो ये है कि एक्सपैंड लोगों को अपने साथ इंक्लूड करना. स्पेशली मुझे यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइक बोला हम आपके साथ करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना. और मेरा इसी है कि कलेबरेट करना या इन्वेस्टर्स को लेकर आना, उसमें यू हैव टू शेयर योर जो भी आपका माल है. तो मेरा इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट या उस तरह जो आप कहते हैं ना, तो वो इतना पीक पे भी नहीं गया, बॉटम बिल्कुल बॉटम के ऊपर है. तो कलेबरेट करने की मेरा ये सवाल है कि मुझे कलेबरेट तब करना चाहिए जब मेरा किसी एक लेवल पे बिजनेस पहुँच जाए, या मैं शुरू में भी अपने साथ पार्टनरशिप कर सकती हूँ. That's a very good question. और उसमें फिर मेरा आपसे counter question ये होगा, what are you looking for in a collaboration? क्योंकि मिसाल के तौर पे sometimes people just want the funding. वो कहते हैं हमें कोई ghost investor मिल जाए, वो कहे जी 5 लाख मेरे पैसे invest कर दें. मतलब उसमें क्या होता है, you either agree with them on a return, आप कहते हैं जी आप 5 लाख दें, मैं 6 महीने बाद आपको 8 लाख वापस करूँगा, और फिर वो बस वो रिलेशनशिप वहाँ तक रहेगी. कुछ लोग होते कहते नहीं हमें 50% कंपनी का शेयर भी चाहिए, या 30% या 15, जो भी आप कंपनी को वैल्यू करते हैं. So you have to keep in mind, why do you need these people with you? If you can handle all the business operations and you only need that cash injection, ताकि आप अपने product और उसको बेहतर कर सकें, तो then हम लोग ये चीज उसको करते हैं. जो एक हमारे असर भाई जो NIC हैदराबाद के director हैं, कहते हैं 3 लोग आपको पैसे देते हैं, friends, families and fools. कह रहे तो आपको कहते हैं ये 3 लोग हैं जो छोटे business को पैसा दे देते हैं कि ठीक है करो बेटा इसके साथ ना.
तो ये क्या होता है, आप अपने फैमिली से कह सकते हैं या फ्रेंड में कह सकते हैं कि जी आप मुझे 10,000 दोगे, मैं आपको 2 महीने बाद वो 12,000 या 15,000 वापस कर दूंगी बेस्ड ऑन व्हाटएवर एस्टिमेट यू एक्सपेक्टिंग टू कम बैक, और यू कैन पे देम ऑफ इन इंस्टॉलमेंट्स और व्हाटएवर. तो वो क्या होता है, इफ यू जस्ट नीड द कैश देन यू कैन लुक एट वेरी डाइवर्स मॉडल्स ऑफ गेटिंग दैट मनी, बट इफ यू नीड समबडी टू हेल्प अ हैंड तो भाई वो ऑपरेशंस देख ले, डिलीवरी वगैरह. यू सी समथिंग, मुझे कैश और फंडिंग से इशू नहीं है, मुझे उसकी तरफ से किसी को ऐड करना ही है. जिसकी जो फील्ड आप उसकी उस हिसाब से उसकी हेल्प करें, ठीक है ना, कि आप उसको अपनी कंपनी में इस तरह इन्वॉल्व करें जब क्योंकि दे कोई तो कोई फायदा नहीं है. आप लाइक फॉर एग्जांपल कोई डिजाइनर है, बहुत अच्छा डिजाइनर है ना, उसके साथ कोलैब करें, और अगर बहुत ज्यादा कोई आईटी एक्सपर्ट है उसके साथ कोलैब करें कि आप पर सेल उनको दे, जितना आपको प्रोडक्ट का सेल करेगा उसके मुताबिक वो आपको दे, मतलब आप उसको दे, इस तरह आप ज्यादा ऊपर जा सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप और उसका ये कि जो मैं फ्यूचर में देखती हूँ ना कि मेरा मैंने स्टार्ट ही थी सेविंग से किया था, मुझे 10,000 से 15,000 लगे थे उससे ज्यादा, तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको फर्दर आगे लेके जाने के लिए मुझे लाइक वो कहते ना कि वो हो जाता है रिमोटिवेट हो जाता है इंसान एकदम से, तो फ्लरिश नहीं करता है. वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट एक किस्म की हो गई, लेकिन अब एमएनपी के आइडियाज को जो डेवलप नहीं करते हैं अभी मेरा बाइके के थ्रू, लेकिन बाइके के थ्रू का यही कुछ जो कहते हैं कि आई डोंट हैव जैज कैश, आई डोंट हैव इजी पैसा, मैं कैश ऑन डिलीवरी करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ. तो वो एमएनपी का एक अपना प्रॉपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आपने उसको अपना देना है. अब उसमें ये जो है ना कि हां ऑप्शन होता है जो कोरियर सर्विस को है, अगर आप उनसे कोलैबोरेट करते हैं तो वो आपको मिलती है जेडी जितने भी ऑर्डर करते हैं लेपर्ड्स है और इस तरह के और भी हैं, वो भी होता है कि वो फिर आपको बाद में पे करते हैं, वो होता है उसमें भी फिर होता है मसला उसके साथ, पता है क्या, आपका पैसा फंस जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आपको अगले महीने का स्टॉक लेना है और वो आपको पे करेंगे 3 हफ्ते बाद या जो भी है, यू डोंट हैव दैट विंडो टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स और आपकी सेल्स अफेक्ट होती है, तो वो फिर आपका एक विशियस साइकिल होता है कि आपकी कंपनी नीचे जाने लगती है क्योंकि आप डरते हुए ऑर्डर लेते हैं. तो दैट्स व्हाई पेमेंट अप फ्रंट इज अ बेटर ऑप्शन, बट देन इट बिकम्स टू द पॉइंट कैन यू अफोर्ड समबडी हु कैन डू लोकल डिलीवरी, अगर इंटरनेशनल अगर आप नेशनल लेवल पे उसको भी सेल कर रहे हैं तो देन यू आर गोइंग टू हैव टू लुक एट दैट. सिमिलरली वेब डिजाइन की आप बात करें, इज वेबसाइट इवन द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेलिंग राइट नाउ और वुड यू हैव मोर सक्सेस ऑन इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी है पेज हमारा. अच्छा ठीक, उसी के थ्रू मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रही हूं. फेसबुक नहीं चल रहा, राइट, फेसबुक का कोई ऑडियंस नहीं है, फेसबुक पे ओल्डर ऑडियंस रहती है ना, दे डोंट पाकिस्तान में पीपल डोंट शॉप ऑन फेसबुक टू बी ऑनेस्ट, तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन proper images और उसके लिए या एक platform पे दिखाने के लिए pictures और वो सारा उसकी benefits और captions लोग ही खोलते हैं कभी-कभी, तो उसके लिए जैसे images है वो बनी हुई है उसकी bio में भी लिखी हुई है, लेकिन जब वो उस पे जाते हैं कि delivery किसके ऊपर होगी तो उस पे आगे वो मैं फंस जाती हूँ, क्योंकि MNP जो है उस पे मैंने try किया लेकिन उसका ये इशू कि 3 हफ्ते बाद में लेके पेमेंट क्योंकि उनके अकाउंट पे चली जाती है. पाकिस्तान पोस्ट आई एम नॉट श्योर वो क्या रेट दे रहा है, और कोरियर इज द बेस्ट जो मुझे अभी तक पता चला है. पाकिस्तान फ्यूचर्स एंड मेरी भी करियर सर्विसेज हैं, उनमें सब में लाइक इश्यूज ये सब में इश्यू है, वी विल टॉक अबाउट इट वैसे जो है, लेकिन ये कि दैट मींस कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई थिंक इट्स नॉट मोर अबाउट जो वो वाला इशू है पैसे हैंडलिंग का, वो कि अगर आपके पास कोई सिक्योर चैनल ऑनलाइन ऐसा बन जाता है कि लोग एक चीज कहलाती है एस्क्रो अकाउंट्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट एस्क्रो अकाउंट्स सर? एस्क्रो अकाउंट हमको बना
हर हफ्ते पैसे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कटे दो उसके बाद आप इसको सिस्टम के तक कितने में कर जाते हैं वो बेसिकली थर्ड पार्टी होल्डर होता है आपके पैसे का तो उससे क्या होता है इफ देयर इज अ वे दैट अ स्टार्टअप कैन बी क्रिएटेड तो इन मसलों को सॉल्व करें तो क्या होगा कस्टमर से वो पैसे लेके रखते हैं पेमेंट आपको सब मिलेगी अगर कस्टमर अपने इनसे अप्रूव करे कि मुझे चीज मिल गई है उसी क्वालिटी की तो उसके अंदर जो सेफ्टी बैलेंसेस होंगे जैसे फॉर एग्जांपल आप डिलीवर कर रहे हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें आप पिक्चर लेके दिखाओ कि जी कस्टमर ने ले लिया फिलीपींस वगैरह में ये होता है कि दराज और वो जो उनके हैं जब डिलीवरी होती है वो खड़े होकर आपकी तस्वीर लेते हैं पहले से देखिए मैंने डिलीवर कर दिया क्योंकि होता क्या था लोग ले रहे थे चीज और कहते थे हमें तो मिला ही ये तो गायब हो गई या वो हम तो थे नहीं घर पे थे किसी और को दे दिया तो वो क्या करते हैं बिल्ट मैकेनिज्म अराउंड इट ये चीज सॉल्व होनी है आपका जो प्रॉब्लम है जेन्युइन वो ये कि मे बी यू नीड टू फाइंड आउट अ मार्केट और अ वेंडर जिसके साथ आपका इस तरह से रिलेशनशिप बन सकता है और मे बी यू कैन लुक एट अ कैश इंजेक्शन कि आपकी साइकिलिंग होती रहे विदाउट योर बिजनेस बीइंग अफेक्टेड बट द इशू स्टिल रिमेंस फाइंडिंग दैट ऑडियंस हो मैं ये एडवाइस करूंगा यू आर इन अ यूनिवर्सिटी इट्स अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी आई एम गेसिंग योर प्रोडक्ट इज टारगेटेड एट वुमेन यूज दिस मेन्यू एज अ लॉन्चिंग पैड यहाँ पे आप ऑलरेडी आती हैं क्लास लेने स्टूडेंट्स आए आपसे यहाँ पे आपकी डिलीवरी के पैसे बच जाएंगे वो आप उनसे कहें यही चीज मुझे उठा दो यही बिल्कुल 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 और वो आपको कैश दे देंगे आपको उसी वक्त पैसे मिल गए चाहिए राइट तो देन यू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो डायरेक्ट कस्टमर मॉडल है ना जो मॉल्स में और उसमें लोग बैठे होते हैं एक स्टार्टअप था कराची बेस्ड है सेंट्स एंड स्टोरीज के नाम से वो परफ्यूम बेचते हैं कॉपीज तो शनेल और वो सारे वो लड़का जो है उसने कहा था नहीं मैं तो ऑनलाइन करूंगा बिजनेस को चार आउटलेट खोल चुका है मॉल में क्योंकि उसको पता है एंड ऑफ द डे पैसा वसूल करने के लिए सबसे अच्छा चैनल यही है सर उसके लिए ये भी चीज थी कि कस्टमर्स जो है ना वो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो इस तरह ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं ज्यादा चीज लेते यार आप परफ्यूम बेचोगे ऑनलाइन मुझे क्या पता है कैसे स्मेल करेगा जब तक मैं सूं के नहीं देखूंगा इफ इट स्मेल्स गुड सेम चीज होता है पैसे कभी देंगे ही नहीं किसी को जब तक हाथ में नहीं दिखाओगे कि ये चीज है राइट बिल्कुल राइट हां नहीं उसमें फिर चूना भी लगता है बहुत क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का ये वन आईडिया है बस उन्होंने कहा था जी राहुल पिंडी से शिप हो रहा है यहाँ से और वो मेरे पास आए वो तीन हफ्ते बाद मैंने कहा इतने टाइम में खुद जाके ले लेता पिंडी से इतना दूर भी नहीं है ड्राइव करके जाके उठा के लिया था अपना फोन तो ये जो चीज है ये दराज में उसमें डिलीवरी इश्यूज हैं और तरह के वो सारे प्रॉब्लम तो ये सारे मसले जिसके हम आगे देखेंगे ना ये सारी चीजें ऐसी जो डिस्ट्रक्ट होने के लिए बैठी हैं वी नीड टू डिस्ट्रक्ट द मार्केट इन द वे कि आपको जो है वो वैल्यू दें एस्ट्रो अकाउंट का मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान में सेलर और बायर के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है दराज पे क्या होता है सेलर भी चूना लगा रहे और बायर भी चूना लगा रहे दोनों जो है वो फ्रॉडी है तो क्या होगा वो दिखाएंगे कि जी हम ये आइटम भेजें मेरे दोस्त उनकी दुकानें हैं दराज पे और वो क्या करते हैं जैसे हेडफोन और वो बेचते हैं लोग क्या करते हैं उनके साथ ओरिजिनल माल रख के उनको वो जाली वाला डाल के वापस भेजते हैं जैसे तो हमें ये भेजा था और दराज उनका वो डिडक्ट कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे दराज इज एक्चुअली सेइंग कि भाई देखो ये सेलर को भी पनिश कर रहे हैं एंड दैट इज हर्टिंग द सेलर क्या कह रहा है इस प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठा हूं मेरी ओरिजिनल चीज रख के ये वो कर रहा है तो दीज आर ऑल इश्यूज दैट एग्जिस्ट विद इन द मार्केट प्लेस एंड ये सारे सॉल्व होंगे तो जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए कोई आदमी कह ही नहीं सकता मुझे कोई मसला नहीं बिजली पानी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट मनी 500 चीज जिस चीज पे आप हाथ रखेंगे पता चलेगा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है एंड दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व और क्रिएटेड लाइक बिजनेसेस कैन बी क्रिएटेड अराउंड दैट आप अभी बात कर रही थी अबाउट इमेजेस ना कि वो डिजाइन क्वालिटी के लिए अभी मैं एआई का वो मॉडल देख रहा था उसके अंदर क्या होता है आप एक अपना प्रोडक्ट की शॉट लें और एआई उसके अंदर आप फीड करें I want this product sitting on a circular mound of, say, for example, sand. So AI generate करके आपको आपकी ही बोतल sand के ऊपर रखी हुई दिखा देगी. So you don't need to create hire a graphic designer. ये वो Canva है. वो ये तरह के. हाँ. University में आते-जाते product आते. आप दरअसल पे रखे एक तस्वीर ले लें वो कर दें आपकी stylish से shot मिल जाएगा Instagram के लिए. तो ये जो चीजें अब AI हो गया वो अभी मैं एक और उनसे बात कर रहा था about ChatGPT. और वो यही वाली बात है. कंटेंट अगर आपको नहीं लिखना आपको आता है यू आर नॉट गुड एट राइटिंग लाइक
प्लीज सेंड वो चैट जीपीटी आपको लिख के दे देंगे, आप उस पर लिख दें कि आई वॉन्ट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोशन दैट हेल्प्स विद डिक्रीजिंग रिंकल्स, वो आपको पूरा वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। उनकी बस एक शेल्फ लाइफ होती है, उनमें वो शेल्फ लाइफ टेस्ट करने का एक्चुअली जो मेन मेरा रीजन है टेस्टिंग का वो यही है। और दूसरा जो ट्रस्ट इश्यूज जो आप कह रहे थे ना कि आते हैं कस्टमर और बायर के बीच में, उसका मैंने यही हल अभी तक मेरे क्योंकि मेरा बिल्कुल स्मॉल लेवल के ऊपर है, तो मेरा उसका यही हल था कि मैं जास कैश के थ्रू अगर मुझे कोई मतलब एग्रीड है कि मुझे देगा पेमेंट, तो जब तक उसको डिलीवर नहीं हो जाती चीज में पेमेंट नहीं लेती। और कभी कभी मुझे डर लगता है क्या पता वो लेके पेमेंट दे ही ना, लेकिन अभी तक मेरे साथ अभी कोई ऐसा सीन हुआ नहीं है कि इसमें एक दो तीन मैं केस स्टडीज की एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है रबरमेड के नाम से, वो रबरमेड है, वो है वो लोग क्या करते थे ना वो बनाते हैं छोटे से डिशेस वगैरह होती हैं जो जैसे आप ओवन में भी रखने हैं और वो भी करें, तो ये क्या करते थे ये वो कराते थे औरतों को और कम्युनिटी में, दे बिल्ट अप देयर ओन सेल की कम्युनिटी, तो वो लोग अपने कम्युनिटी में जाके रीसेल करते थे प्रोडक्ट्स। तो वो क्या करेंगे जैसे कंटेनर हो गए फल हो गए, वो जाकर अपने घर में पार्टी रखेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखें ये प्रोडक्ट्स रखते हैं। इफ यू लुकिंग एट बिल्डिंग अप एन ऑडियंस बेस, so maybe that's one way you can look at it, find brand ambassadors, send them out and say okay fine, tell your community ki ye ho raha hai, to sit down the verified leads aapke aapke paas jo log aapke paas aa rahe honge product test kiye honge koi jaan pehchan wala hoga, wo referral schemes bahut achhi chalti hain is tarah ke businesses mein ki if you have a friend who's already buying from us, send us their name ya koi unki jo unique id aap ek bana de to hum aapko 5% 10% discount de denge, isse kya hoga again aapko qualified leads milenge, जो कस्टमर है वो ऑलरेडी इग्नोर से भी आ रहा है, वो अपना नाम गंदा नहीं होना चाहता कि जी मैं तो ऑलरेडी आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड वो क्यों मेरा दोस्त फ्रॉड करेगा इसके साथ, और अगर करेगा भी तो नाउ यू पुट इट ऑन देम कि वो जाकर उससे पैसे निकलवा दे क्योंकि अब आपके पास भी डिटेल्स हैं, कभी रेफर किसने किया था इसको, कोई आपको ट्रबल मेकर नजर आ रहा है आप उसको फिर वो रेफर कहीं भी इनके साथ हम डील नहीं कर रहे, तो देयर मल्टीपल वेज वी इंशाल्लाह टॉक अबाउट इट व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, टू वी डू अ डीपर डाइव इनटू दैट कि जो है ना कि कौन कौन सी टेक्निक्स और मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं टू बिल्ड अप योर बिजनेस विद जीरो स्पेंड। बिल्कुल मगर वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि अगर मैंने अपना एक स्क्रब बनाया है तो 500 से एक्सीड कर जाए तो वो कहते हैं कि आपका तो भी स्टार्टअप है और स्टार्टअप में तो भी ना भर भूख में लगते मरे हैं वो उसका के कंपटीटर्स हैं और वो एस्टैब्लिश भी हैं तो उनको क्यों ना ले इस प्राइस में भी। हां फिर वो आता है कि आर यू एडिंग दैट वैल्यू उनके जो इफ दे यूजिंग केमिकल या वैसा है यू कैन से कि दे यूजिंग केमिकल्स इन दैट आई एम नॉट यूजिंग केमिकल्स अगर आपको लेना है तो आप जाके लगा लें अपने मुंह पे जल जाए कुछ हो जाए वो आपकी जिम्मेदारी है तो वो देन यू आर अंडरप्राइसिंग योरसेल्फ अगर आप ऐसे उनसे कंपीट करें जिनको वैल्यू में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे अगर वो भी वही चीज 500 में दे रहे तो देन यू नीड टू लुक एट योर ऑपरेशंस मे बी आपका जो वेंडर है वो सही कॉस्ट पे आपको नहीं दे रहा तो यू बाय इन बल्क और यू डू समथिंग एल्स। आप कुछ कह रहे थे जी जी इनको सेल्स में भी इशू आ रहा है हां और मार्केटिंग में भी और ब्रांड अवेयरनेस नहीं तो वो तो फिर वो इंशाल्लाह देखेंगे अभी कैंट मेक दैट जजमेंट क्योंकि हमें पता नहीं कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है। I would be very careful about saying that, but these kind of issues is there. So, yeah, you can make it. बिल्कुल तो वही हो जाता है क्योंकि बिजनेस है ना हर तरह से होता है सप्लायर का मसला प्राइसिंग का मतलब अभी इकोनॉमी हिट हुई है तो वही वाली बात हो सकता है आपकी प्राइसिंग आपके पास एक गुंजाइश बन जाए तो रेज द प्राइसिंग मे बी आपका पैकेज साइज बहुत बड़ा है यू कैन श्रिंक डाउन द पैकेजिंग ताकि आपको मार्जिन बेहतर मिल जाए तो दे डिफरेंट थिंग्स यू कैन प्ले अराउंड विद इंशाल्लाह व्हेन आई सेड वी विल डू मार्केटिंग ऑन डे 3 तो हम फिर उसमें वो डिस्कस करेंगे राइट।
तो वो जो है तो अभी जो है we're going to jump into ideation now. तो अभी हमने फाउंडर्स से एस्टैब्लिश कर दिया है कि भाई फाउंडर कौन है क्या है. दिस इज द एग्जांपल आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो मैंने पहले बात की थी कि सड़कें जो है पाकिस्तान की कि हर शहर की यही इमेजेस हैं तकरीबन. यहाँ हो सकता है मैंने कम देखी है लेकिन ये कि टूटी सड़कें हो ये पाकिस्तान में रहने के साथ एक फ्रिंज बेनिफिट आपको मिलता है कि जी गाड़ी की टेस्टिंग पूरे वक्त होती रहती है झटकों में और उसमें जो है ना मेरे गाड़ी का जो स्टीरियो सिस्टम है वो हिली गया है पूरा वो आगे लटका हुआ है झटके तेरे खाता है उसमें. प्रॉब्लम क्या है हर दफा आते हैं इलेक्शन से पहले ये कोई भी चीज कारपेटिंग करके चले जाएंगे जी मसला सॉल्व नहीं हो रहा है. मसला क्या है अंडरग्राउंड लाइन फटी हुई है. अब आप जितनी दफा भी कारपेटिंग करेंगे वो सड़क टूटी हुई है 3 महीने बाद 6 महीने बाद. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है हम लोग जो है क्या करोगे कारपेटिंग किए जा रहे हैं. हम लोग क्या कहेंगे कि जी बिजनेस का मसला ये है कि जी हमारे ड्राइवर जो है वो लेट हो रहे हैं. बिजनेस का मसला है कि आपके जो ड्राइवर है वो या तो झूठ बोल रहे हैं और हो सकता है बट यू नॉट एडमिटिंग व्हाट द ट्रू प्रॉब्लम इज. Maybe that delivery model itself is not going to be sustainable. हम लोग एयरलिफ्ट की बात कर रहे हैं तो इतनी जितनी डिलीवरी के बिजनेस हैं पाकिस्तान में अनलाइक अमेरिका और एनी अदर कंट्री अमेरिका में कानून और ऐसे होते हैं कि आप फ्रॉड नहीं कर सकते. होनी हमारे यहाँ राइडर मुंह पे बोलते हैं सर मैंने तो आपका खाना खा लिया फूड पैंडा कर लो जो कर सकते हो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट. और मैंने नोटिस किया ये सारे वाले ऑर्डर होते हैं जो कैश ऑन एडवांस पे कर चुके हो सॉरी क्रेडिट कार्ड पे कर चुके होते हैं तो वो राइडर की चांसेस 30% बढ़ जाते हैं वो आपके घर पे पहुंचेंगे ही कभी या पहुंचेगा इतना लेट पहुंचेगा कि बीच में 3 डिलीवरी करके आ गया. तो दैट शोज कि देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम कि द अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स आर इन प्ले. तो क्या होता है यू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स है हमारे क्या होता है सरफेस कोटिंग के सारे मसले पे करते हैं. लेट्स बी अ बिट पॉलिटिकल. पाकिस्तान का मसला क्या है कि जी हमारे फॉरेन डेफिसिट और हमारा हमारी लाइफस्टाइल आप चेक करें ना पाकिस्तान में जी चार प्याली चाय पीनी है फल है मुल्क में आपकी चाय नहीं होती. कोई आप जो याद हो कि खुद दुनिया के सबसे बड़े टी मतलब क्रिएटर बन जाए ना सबको पीनी भी है लेकिन एक्सपोर्ट अच्छी और इम्पोर्ट अच्छी वाली क्वालिटी की नहीं है. ये टूटी चाय मैंने पीता मुझे जो है ना ये अच्छी वाली चाहिए अफ्रीका की जो भी हुआ एंड देन उस पर आप डॉलर और आप मुल्क में जा रहे हैं. तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट आर द जेन्युइन प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू सॉल्व टू गेट टू दैट लेवल. एंड ये स्टार्टअप्स जो गलत प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं वो सारे बंद होते हैं. अब मिसाल के तौर पर एजुकेशन के अंदर बहुत स्टार्टअप्स आपको मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर जी हम गरीब बंदों के लिए गरीब बच्चों का हमारा दिल टूटता है देख के हमने उनके लिए ऐप बनाया है और उस ऐप पे उसकी क्लासेस हो उस बच्चे के पास फोन नहीं है यार और फोन के लिए मांगे तांगे ले लिया इंटरनेट नहीं होता. अभी कोविड हुआ था तो गिलगित और उसमें तस्वीरें आ गई बच्चे बेचारे कोई दरख्त से लटका हुआ है कोई पहाड़ी पे बैठा हुआ है कि सिग्नल ही नहीं है. तो अनलेस यू सॉल्व द अंडरलाइन प्रॉब्लम्स एनी नंबर ऑफ एप्स दैट यू बिल्ड वो हो ही नहीं सकता. ऐप्स के साथ एक और क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन के अंदर यू नीड अ सुपरवाइजर जो कि उस बच्चे को गाइड कर सके. अगर उसको समझ नहीं आ रही कोई चीज वो बार बार वो वही वीडियो देख रहा है तो दे नीड समबडी टू एक्सप्लेन टू देम देखो ये हो रहा है. और अगर उनके मोहल्ले में नहीं उनके उसमें टीचर नहीं है मौजूद तो ये आपके वो स्कूल और ये जो सारा हो रहा था कि स्कूल में टीचर ही नहीं मौजूद है तो आप दुनिया का सबसे अच्छा ऐप ये है ये वो बच्चा नहीं सीख पाया. क्यों? क्योंकि एक सुपरविजन चाहिए उसको चाहे एजुकेटेड पेरेंट हो या कोई वैसा हो. तो ये चीजें आपको रिकग्नाइज करनी चाहिए. और स्टार्टअप के अंदर भी बहुत बड़ी फेलिंग होती है कि हम एक अपनी टेक्नोलॉजी या एक आइडिया इतना प्यार कर लेते हैं कि हम इसकी कोई बुराई नजर ही नहीं आती. कोई आपसे कहे कि यार देखो तुम ये गलती कर रहे हो आप उससे लड़ने लगते नहीं तुम मेरे दुश्मन हो तुम्हें तो मेरा आइडिया पहले दिन से नहीं पसंद था. भाई इफ इट इज जेन्युइन इशू एड्रेस इट एंड देन ट्राई टू मेक इट बेटर. इफ समबडी इज पॉइंटिंग आउट एनी प्रॉब्लम इन इट इज योर जॉब टू फाइंड इट. प्राइसिंग पैकेजिंग डिलीवरी एग्जीक्यूशन ये सारी चीजें जो है उस पर आपको ओपन टू क्रिटिसिज्म होना होता है बट दैट ओनली कम्स व्हेन योर identifying the problem. And when we're talking about identifying problems, uske liye kya aapko wo karna hota hai, there are three things that will help you come up with the right idea. Ki aap kehte hain ji maine sadkon ka ye barabar mein tasveerein jaan ki sadke wahan pe bhi tootti hain wahan zalzale bahut aate hain lekin unhone kya ki ek to baqaida university mein degrees hoti hain jo earthquake technologies ke upar baat kar rahe hain ek building kis tarah banaye ki wo gire nahi kis tarah sadke bane ki wo gire nahi. अभी जो है मैं एक देख रहा था वीडियो एक कॉन्सेप्ट है जापानीज एक स्कूल ने टेस्ट किया है कि वो बिल्डिंग बनाएंगे ऑन मैग्नेटिक पैड बेसिकली जमीन के अंदर वो बिछाएंगे उसका आयरन का उसका वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर रन करेंगे ताकि घर लेविटेट करे. तो इन केस ऑफ एनी अर्थक्वेक वो ऑटोमेटिकली घर आपका लिफ्ट हो जाएगा एक सर्टेन हाइट पे जमीन पूरी हिल रही है नीचे आपका घर हवा में लेविटेट होता रहेगा जस्ट बेस्ड ऑन दैट एंड दे टेस्टिंग आउट दीज आइडियाज. हमारे क्या होता है जी वही चार पाई पड़ी है पाए टूट गए तो आप लोग उसको कील ठोक के जो चला रहे हैं जी भाई दादा ने किया था उनके अब्बा ने हम सब चार पाई पे सोते थे तो अभी तक चार पाई पे ही सोएंगे.
भाई कोई नई टेक्नोलॉजी ले लो, चारपाई को ही रेवोल्यूशनाइज कर दो, पंखा लगा दो चारपाई पे कि चलो लेटे रहो तो पांव चलाने से हवा आ जाए कुछ तो हो। तो ये जो है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और सॉल्विंग है, तो यू आर लुकिंग एट थ्री थिंग्स बेसिकली। पहला क्या होता है, आप जब प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, व्हिचएवर आइडिया दैट यू आर गोइंग टू पिच टू द जजेस, हु आर यू बिल्डिंग इट फॉर? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर, वन ऑफ यू गाइस टॉक्ड अबाउट द कस्टमर, राइट? तो हु आर यू बिल्डिंग इट फॉर, आपका कस्टमर है कौन? If you don't have an image in mind, जब मैं आप अपने product को देखें और आपके जहन में image आना चाहिए मेरा product कौन use कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं gaming computers की बात करता हूँ, मेरे जहन में image आना चाहिए ये वो लड़का है जो defense के area में रहता है, इसके अब्बा जो है has enough money कि इसके shop पालेंगे, उसके साथ क्या है इसके पास जो he has international exposure और he is a gamer और he has access to the top quality games, तब मैं फिर अपने business को उसी तरह market करूँगा और उसी तरह build करूँगा। Okay fine, now I know where they live, how much money they have, वो क्या उनकी शॉप में कौन से गेम वो खेलना पसंद करते हैं, मेरे जहन में इमेज आ जानी चाहिए उस कस्टमर की पूरी। उसके आगे हम जाके बात भी करेंगे, एक चीज होती है कस्टमर जर्नी, कि वो कस्टमर जो उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी ग्रोथ, के वेयर ही लिव्स, व्हाट ही ईट्स, हु ही है, क्या करता है। जी मैम, हाउ मेनी कस्टमर्स यू विल गेट? यस, इसके मतलब जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि फिर आपकी प्राइसिंग और आपकी एड्रेसेबल मार्केट साइज उसमें आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो फैला हुआ है सारे उसमें, तो आपके पास जो है वो इश्यू हो जाता है। एग्जैक्टली, और फिर ये कि ना यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी इंडिया के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं जब वहाँ पढ़ रहा था अपने मास्टर्स में, तो उनको हमारे जो इंडियन प्रोफेसर था वो हर जगह जाके यही कहता था कि इंडिया जो है 1 बिलियन आदमी यहाँ रहता है, आप उसका 1% भी टारगेट करो आप तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे बैठे होंगे। हर कंपनी जाके इंडिया में बैठी है, आईकिया, अभी मैकडॉनल्ड्स जो है उनको आलू के कबाब खिला रहे बैठ के, क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्ट ही, वो ना बर्गर बेच सकते हैं, ना बीफ नहीं बेच सकते, पोर्क नहीं बेच सकते, वो तो प्रोडक्ट बचा क्या, आलू टिक्की बर्गर वो खिलाते हैं 25 रुपए का इंडिया में। KFC के पास इश्यूज हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू सेल? डोमिनोज जाके पिट चुका कि 30 मिनट डिलीवरी, ट्रैफिक जैम में फंस गया, आदमी कह रहे फ्री में 2 पिज्जा, तुम तो लेट थे। तो ये जो सारी चीजें, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, who is your customer? So is it enough of a market size कि आपको return अच्छा मिले? और फिर उसके साथ वही है कि वो accessible है कि नहीं, वो एक मेरी slide होती थी उसमें मैं सारी बात करता हूँ, accessible है, are they willing to even spend the money? मुझे पता है gamer है और वो है, लेकिन वो पाकिस्तानी brand को पैसे नहीं देना चाहते, वो कहते नहीं मुझे international brand के ही computer चाहिए, अब बस कहेंगे नहीं मेरे लिए Razer का laptop लाए, नहीं चाहिए local मुझे बना हुआ। तो फिर क्या आएगा, everything is in alignment but they're not willing to spend the money। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है कि कस्टमर कौन है आपका। तो बिफोर यू पिच एनी आइडिया, हम लोग वो करते हैं कि आप जाकर मार्केट में टेस्ट करो, इफ एनीवन इवन 1% इज विलिंग टू गिव यू मनी फॉर इट, तो दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, अर्ली इवेंजेलिस्ट। इवेंजेलिस्ट लोगों को पता है क्या होता है? इवेंजेलिस्ट रिलीजन में काफी यूज होता है। इवेंजेलिस्ट होता है जो तबलीग करता है, जो ना जाकर आपके लिए स्पोक्स पर्सन या हाँ प्रीचर। एग्जैक्टली, तो इवेंजेलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो आपका मैसेज लेके आगे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अर्ली इवेंजेलिस्ट होता है जो आपका प्रोडक्ट ट्राई करता है एंड इन द राइट कम्युनिटीज गोज आउट एंड टेल्स देम कि देखो ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। एक बैंड था लिंकिन पार्क के नाम से, अभी भी जो है वो जो स्टिल परफॉर्मिंग, चेस्टर बेनिंगटन मर गया बेचारा, लेकिन सुसाइड में उसका क्या था, व्हेन दे वर लॉन्चिंग तो वो क्या करते थे, जाके ऑनलाइन छोटी छोटी कम्युनिटीज में अपने ही गाना टीज कर रहे होते थे, ये देखो ये एक नया गाना है बड़ा अच्छा, ये लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को गाना सुनाते थे, उनको अच्छा लगता था, वो जाके 50 और को सुनाते। और उन्होंने क्या कि ये सब कल्चर्स के अंदर जा जाके लिंक्डइन पार्ट को बूस्ट करना शुरू किया। तो ये क्या होता है, यू फाइंड दैट कम्युनिटी व्हिच बिलीव्स इन यू एंड देन दे आर द वन हु टेक योर मैसेज फॉरवर्ड एंड दे आर विलिंग टू पे यू मनी फॉर इट। ये नहीं कि फ्री में सुन के, हमारे पाकिस्तान में बहुत खामोश सपोर्टर आपको मिलते हैं, घर वाले, वो आपने बिजनेस खोला नहीं होता सब खाने पहुंच जाते हैं, अरे बच्चे ने बिजनेस खोला है फला, फिर जाके सब डिस्काउंट और वो मांग लो, जितने का आपका कॉस्ट होता है वो रिकवर नहीं होता, क्योंकि हर बंदा फ्री में खा के जा रहा होता है, यार दोस्त का बिजनेस है पैसे मांगोगे क्या कर। तो मसला क्या होता है, एंड ऑफ द डे आप बंद करके चले आते हैं एक महीने में कि आपने सबको फ्री में खिला के, आपका बिजनेस बंद है। दूसरी चीज क्या हो रही होती है, यू आर लुकिंग एट पेन किलर्स। ये जो क्या हो रहे होते हैं, एवरीवन इन सोसाइटी हैज सम काइंड ऑफ पेन पॉइंट्स। आप अगर अपना बिजनेस क्रिएट करें, इज इट सॉल्विंग दैट पेन पॉइंट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉस्मेटिक ब्रांड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, इज इट सॉल्विंग एनी पेन पॉइंट दैट पीपल हैव? मिसाल के तौर पर उनकी स्किन की वो जो है उसकी टाइप की कोई मिल नहीं थी उनको ब्रांड, या जो ऑर्गेनिक अपने आप को कह के बेच रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये क्या है? इस तरह की चीज अगर एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तो देन यू आइडेंटिफाई दोस पेन पॉइंट्स एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट।
आप कहते हैं ठीक है मेरा ब्रांड इसका हल लेके आ रहा है मार्केट में, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू सेल और डू द सेम आई वुड से लाइक बिजनेस वो जो है जो दूसरे कंपटीटर्स कर रहे हैं, वी विल डिफरेंशिएट आवरसेल्फ्स अकॉर्डिंगली. तीसरी चीज क्या होती है गेन क्रिएटर्स, इज देयर एनी एक्स्ट्रा वैल्यू दैट यू आर एडिंग. मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस आवर्स जो है आप रात में भी डिलीवरी कर देते हैं या इमरजेंसी फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ बिजनेसेस क्या होता है फूड के उसके रात में सब बंद हो जाते हैं. आर यू प्रोवाइडिंग 24 आवर सर्विस, इज योर बिजनेस से फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन एज वेल. अभी कोई सदा पे की बात कर आई थिंक सदा पे की आप बात कर रही थी तो क्या हो रहा था कि पेमेंट ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी तो बैंक जो मर्जी आए चार्ज कर रहे हैं तो उससे जान छुड़ाने के लिए लोगों ने सदा पे के उस पर वेटिंग लिस्ट और उस पर आ रहे हैं कि भाई हमें बैंक के कार्ड से जान छुड़ाओ. बहुत हिडन फीस होती है, बहुत तंग करते हैं, हर काम के लिए ब्रांच जाना पड़ता है. सदा पे की कोई ब्रांच नहीं है, सब ऑनलाइन है. आपको कार्ड रिन्यू कराना है, कैंसिल कराना है, कोई उस पर ट्रांजेक्शन करनी है, पेमेंट क्लियर करनी, सब सब ऑनलाइन हो रहा है. तो क्या है यंग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं. अभी मेरी वाइफ का कार्ड वो जो अस्करी पहन का था उसको कैंसिल कराना था, ब्रांच जाना पड़ा, फिर उन्होंने नया कार्ड इशू किया, उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद आ पाए, फिर कहा कि नहीं आप यहाँ नहीं आए, आप ओरिजिनल डिफेंस वाले ब्रांच में, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही यही लेके आओ. अच्छा ठीक है आप डेढ़ हफ्ते बाद आइए कर दे, उसके भी डेढ़ हफ्ते बाद इंतजार करें कि जो है कि कार्ड आ जाए. और ये सारे बैंक जो है ये ऑपरेशन में करें, तो ये बैंकिंग का पाकिस्तान के अंदर पूरा सेक्टर इज वेटिंग टू बी डिस्ट्रप्टेड. मसला ये तो जो नया प्लेयर आता है आवाम ऐसी तरसी हुई है कुछ भी दे दो वो मार्जिनली बेटर पे भी सेटल कर जाते हैं यार. देखो एटलीस्ट जलील कर रहे हैं लेकिन तमीज से कर रहे हैं, ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रहा, हम लोग इस पर भी खुश हो जाते हैं. तो ये होता है कि बिजनेसेस नीड टू बी क्रिएटेड व्हिच आर एक्चुअली डीलिंग वेल विद देयर कस्टमर्स. तो आप उस पर काम कर रहे होते हैं. तो ये एक वेन डायग्राम है बेसिकली गोइंग बैक टू जो सर भी बात करते हैं, होता है थिंग्स दैट यू कैन डू वेल, व्हाट डू कस्टमर्स नीड, द स्वीट स्पॉट इज राइट देयर इन द मिडल, दैट इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट. जो होता है कि आप क्या चीज अच्छा कर सकते हैं और कस्टमर को मार्केट भी क्या चाहिए, क्या वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो ढूंढ रहे हैं एक सोल्यूशन, आर दे विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन दैट सोल्यूशन. व्हेन यू फाइंड दैट थिंग आउट आपके अचानक वो मार्केट क्रिएट हो जाती है. हम लोग वन प्लस की बात कर रहे थे फोन की, बहुत ब्रांड्स हैं फोन के, ओप्पो वो एल जी सैमसंग एप्पल ये सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट करते थे. वन प्लस ने अपनी एक जगह बना दी छोटी सी मार्केट में, उन्होंने कहा हम लोग दुकानों से कम्पीट नहीं कर सकते, कीप इट अ वेरी लिमिटेड स्टॉक, हम लोग बनाएंगे 10,000 यूनिट पहले बैच में, 50,000 यूनिट और वो हम बेचने की कोशिश करेंगे. उन्होंने क्या किया, वैल्यू और प्राइसिंग ऐसी रखी, जब उनकी मैसेजिंग ऑफ हो गई, इट वाजंट वर्किंग विद द ऑडियंस, वो भूल गए कि उनकी टारगेट ऑडियंस है कौन, सबने उनको अबैंडन कर दिया. और वो कार्ड पे जो आप बात कर रहे थे उसने छोड़ा ही इस वजह से, उसने कहा कि यार कंपनी मेरे कंट्रोल में नहीं रही, नहीं रही है, आई नीड टू डू समथिंग बेटर, और उसने छोड़ के नई कंपनी बना दी नथिंग के नाम से. और उसमें क्या करता है वो कहते हैं कि जी लोगों को अब मसला क्या है, अब सस्ते फोन बहुत है मार्केट में, ओप्पो क्या नाम है इन्फिनिक्स, तो खैर वैसे बहुत ही वैसे उसका ब्रांड है वो जो है, जैसे अच्छी क्वालिटी के जो है सैमसंग के, अब जैसे फोल्डिंग फोन भी आने लगे हैं, Xiaomi है, ओप्पो है, ये सब बनाने लगे हैं. उसने क्या कहा, नहीं देखो ये सारी शशके, पीपल वॉन्ट रिप्लेसेबल पार्ट्स, मसला उनको ये हो रहा था कि जब फोन खराब होता है तो दे नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ये फोन बदलना पड़ता है, That is the problem. अब वो दूसरे विजन के साथ आ गया मार्केट में, कह रहा है नहीं ये मेरा वाला विजन पुराना था, अब मैं उसको नहीं देख रहा, अब मैं नया विजन लेके आ रहा हूँ और उस पर काम कर रहे हैं. तो वो जो होता है फाइंडिंग दैट स्पॉट, दैट इज द जॉब ऑफ द सीईओ, योर फाउंडर बेसिकली, कि जो आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, हाउ डू यू फाइंड दैट इशू. और उसके अंदर गोइंग बैक टू ब्राइन चेस्की, फाइंड आउट कि आपके अपनी लाइफ में कौन कौन से इशूज हैं, वॉट आर द प्रॉब्लम्स और इशूज दैट यू पर्सनली फेसिंग. Then you come up with solutions for that and you build the right team around you and you try to solve them. So that is, I think, the starting point you have to where you're going to look for that. So this example was that the client had described how to describe it. That he needs a cushion, he needs a free mein ho. Ye jo hai, this is what the client is asking for. That he needs a tree on the roof. These are all the things he asks. Engineer ne kya design ki, usne suna daraf hai, rassi hai, seat hai, usne side pe laga ke de di. How the manufacturer made it, जो भी उसने भी मिस्टेक किया, क्लाइंट को असल में सेफ बेसिक सी चीज़ ही चाहिए कि उसको झूला चाहिए था, आप एक पुराना टायर उठाओ रस्सी से बांधो काम चल गया आपका. हमारे क्या होता है एक काफ़ी टाइम जो होता है ना एक टेक्नोलॉजी का हवा या वो समझ लें यार इसमें AI भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें ये ऐप भी बना देंगे, वो भी यू डोंट नीड ऑल दैट. अ लॉट ऑफ बिजनेसेस यू कुड जस्ट डू विद हैविंग अ बेसिक फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज एंड गेट स्टार्टेड. जब मैंने अपना फूड का बिजनेस शुरू किया था गोरखपुरी वाला जो था, हम सारे बैठे हुए थे कजन्स,
पता नहीं कोई दावत थी या कुछ था, हमें डिश अच्छी लगी, हमें कहा हमारी खाला वाला अच्छी बनाती है ये चीज, इसको हम और लोगों को क्यों नहीं सेल करते हैं, करते हैं क्यों, क्यों क्या रोक रहे हैं हमें, कुछ भी नहीं। मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाली शायद 9,000 रुपए की, हमने गोश्त लिया, आटा, बेसन, दही, जो भी हमारे, क्योंकि हमने एक ही आइटम के साथ शुरू किया था कि हमारे जो फैमिली के स्टाइल का बिहारी कबाब बन रहा है और पराठे, ये दो आइटम थे हमारे। उससे हमने क्या किया, फेसबुक पेज बनाया, ऑनलाइन डाला, दोस्तों में शेयर कर दिया, हम लोग आ गए फूड बिजनेस में, ये नया वो ब्रांड है, हमें ट्राई करके देखें। पहले महीने में वी हैड आई थिंक 40-45,000 रुपीज की सेल, कुछ नहीं करके सिर्फ अपनी कम्युनिटी में स्टार्ट करके, और फिर ऑर्डर आना शुरू हो गए उसी के थ्रू, एंड इट ओनली स्टार्टेड विद अ कन्वर्सेशन एंड 9,000 रुपीज। कोई रेस्टोरेंट हमने नहीं लिया, हम तो फूड पैंडा भी नहीं गए, क्योंकि हमने कहा फूड पैंडा की जो लिमिट दे रहा है वो कह रहे हैं 15 मिनट की डिलीवरी के अंदर, वो कहते हैं खाना गर्म रहता है उसी में डिलीवर करेंगे, वरना नहीं। और हमारा आइटम ऐसा है कि आप उसको घर पे भी रीहीट कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई पॉइंट नहीं था फूड पैंडा पे जाने का, तो वी जस्ट स्टार्टेड इट ऑन द फेसबुक पेज, और फिर उसके बाद क्या था कि हमने उससे वो कर दिया। अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं सर से बात करते हैं, मूव टू मलीर कैंट, तो एक गेटेड कम्युनिटी है, वैसा सेफ भी है, पता है कोई भत्ते का और उसको और इस तरह का कोई टेंशन नहीं होगी, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे एक लोकेशन भी खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लोग निकल रहे हैं लुकिंग फॉर प्लेस, भी छोटी छोटी मार्केट है, वी कैन डू दैट। बट ये कि यू डोंट नीड, कहते हैं ना कि पूरी गाड़ी डिजाइन नहीं करनी, अगर उसको कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है तो एक साइकिल भी काम कर देगी, तो आप पूरा उसको मॉडल और वो सब क्रिएट करने के चक्कर में आप अपने बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि फिर वो बन ही नहीं पाता। आपका जो है एक इशू जो नजर आता है कि जो स्टार्टअप्स और जो काम कर रहे हैं ऑडियंस से बात ही नहीं कर रहे, वो खुद अज्यूम कर रहे हैं लोगों को ये मसला है। भाई लोगों को मसले होते हैं, बट आर दे विलिंग टू पे मनी फॉर इट। हमारे क्या होता है फैशन ब्रांड्स और वो आए चले जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी 50 लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लॉट ऑफ ऑनलाइन जो फेसबुक पेजेस हुए हैं वो लूज कट पीसेस उठाते हैं और उसको रीसेल कर रहे हैं, तो वो आप बिजनेस तो कर सकते हैं, मे बी यू हैव एनफ फ्रेंड्स और नेटवर्क कि आपके पास ऑर्डर भी आने लगे, बट वॉट इज स्टॉपिंग द नेक्स्ट पर्सन टू ऑल्सो स्टार्ट द सेम बिजनेस, यू आर डूइंग द सेम थिंग, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, एवरीवन एल्स कैन डू द सेम बिजनेस। तो क्या हो रहा है, एक ही चीज बार बार री इन्वेंट हुए जा रही है, कोई लुंडे का माल बेच रहा है, कोई कट पीसेस बेच रहा है, कोई फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी इस तरह की चीजें कर रही है। हो क्या रहा है, यू आर मेकिंग द एंटायर इकोनॉमी इनटू अ रीसेलर मार्केट। So the issue is nobody is manufacturing or building their own designs or brands. What they're doing is recycling whatever is already available in the market. और उसमें क्या हो रहा है, reselling की वजह से rates बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब बीच में इतने middlemen आने लग गए कि जो है कि आपका जो rate है for which whichever the product thing was, वो double, triple, quadruple होना शुरू हो गया, which is again not really sustainable, not really feasible. And at the end of the day, any business that goes into that, मतलब जो मेरा एक pet peeve है, जिससे मैं बहुत घबराता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को अपने जो इंक्यूबेशन सेंटर्स में मैं कोशिश करता हूँ कि ना उनको वो करूँ, वो होता है कि वो ई कॉमर्स बना रहे होते हैं मगर अपना कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता, सब मार्केट से उठा रहे होते हैं। तो उसमें इशू यही हो जाता है कि आपने खुद जब कुछ बनाया नहीं है तो आपकी यूनिकनेस क्या होगी, अनलेस कि आपने मुझे ऐसा सेल करें कि आपकी सर्विस मॉडल स्लाइटली डिफरेंट है। आप मिसाल के तौर पर कोई सेल्स का नया चैनल डिस्कवर कर देते हैं कि जी हम प्रोडक्ट तो उठाएंगे लेकिन हम आगे किसी और उसको, फॉर एग्जाम्पल यू बिल्डिंग अप योर ओन सेल्स के एजेंट्स ऑल ओवर द कंट्री कि वो ऑर्डर्स बुक करेंगे और हम उसको फुलफिल करेंगे, मे बी दैट कुड बी समथिंग दैट इंटरेस्ट मी, बट आउटसाइड यही कि आप सर्विस में भी डिफरेंट हो जाओ, प्रोडक्ट अगर डिफरेंट नहीं तो सर्विस कर दो, सर्विस अगर नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट चेंज कर दो स्लाइटली, व्हाटएवर थिंग दैट यू कैन डू टू मेक योरसेल्फ अ बिट स्पेशल फॉर द डायरेक्टेड ऑडियंस, राइट। ये जो है I wanted to talk a bit about pivot. Pivot के मतलब लोगों को पता है? मैंने दो तीन दफा presentation में भी कहा था pivot क्या होता है? Direction change. Direction change करना, ये जो है ना pivot का होता है कि आप जो भी business कर रहे हो तो you change it a bit to whatever the market is willing to accept. How many of you know Twitter का जो पहला business model था वो क्या था? Twitter पहले क्या काम करता था? जब launch हुआ था audio, what was Twitter's business model? वो एक पॉडकास्टिंग का प्लेटफॉर्म था, उसमें जो पॉडकास्टर्स हैं उन्होंने नोटिस किया वे बैक 2010 या जब भी ये लॉन्च हुआ था, उन्होंने नोटिस किया कि पॉडकास्ट बहुत होने लगे मार्केट में, लेकिन उनके कोई अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, तो उन्होंने ऑडियो के नाम से बनाया था एक सर्विस, उस पर क्या हुआ कि पॉडकास्ट ही करने लगे। उसके एक दो साल बाद एप्पल आ गया मार्केट में और उसने कहा जी पॉडकास्टर्स को हम पैसे भी देंगे, हम उनकी एडवर्टाइजिंग भी रन करेंगे और बहुत उन्होंने लुक्रेटिव उनको ऑफर्स दिए।
तो ऑडियो को सर्वाइवल का वो खौफ हो गया कि यार हम क्या करेंगे अगर हमारा जो है आवर सेलिंग प्रोडक्ट इज ओनली पॉडकास्ट तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू. तो व्हाट दे डिड वाज दे नोटिस्ड उनकी ही एप्लीकेशन के ऊपर एक फीचर बहुत पॉपुलर था जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता था. वो क्या था कि विद इन 150 कैरेक्टर्स आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस करें, यू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू और लोग उस पर कॉन्वर्सेशन पूरी पूरी कर रहे थे. तो जैक डोर्सी जो सब उसका एक को फाउंडर था उसने उस मॉड्यूल को लेके पूरी ब्रांडिंग चेंज करके ट्विटर बना दिया कि लोग आए और वो उस पर आके जो भी उनके ख्याल है एक्सप्रेस करें विद इन 150 कैरेक्टर की जो भी लिमिटेशन है. एंड नाउ आपकी पूरी सियासत हो रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट था उसकी हुकूमत को बाद में पता चलता था ट्विटर पे पहले आ जाती थी चीजें मैं ये करने वाला हूँ और फिर पीछे सब भाग रहे थे भाई इसको किसने इजाजत दी तो पता चलता था जी वो होना पड़ रहा है. तो क्या इट बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन दैट तो दे चेंज देमसेल्व्स. इंस्टाग्राम अब तो लोगों और चेंज हो गए इनका. ये क्या करते थे पहले दे वर ए गेमिंग प्लेटफॉर्म. इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि दे नोटिस कि ऑनलाइन गेमर्स बहुत होते हैं. तो जैसे हाउ मेनी ऑफ यू प्लेड माफिया वॉर्स या फार्मविल ये जो फेसबुक पे होते थे इस तरह के गेम्स राइट. तो ये वही करते थे लेकिन फिर अगेन फेसबुक वाज डूइंग द सेम थिंग तो इनको ये था कि हाउ डू वी कम्पीट विद देम. तो उनके जो प्लेटफॉर्म था उस पर इमेजिंग का था कि यू कैन अपलोड योर पिक्चर्स उसी प्लेटफॉर्म पे बर्डन पे कि आप जब भी वो आइकन बनाते थे ना एवटार आप अपनी पिक्चर दे देते थे उस पर फिल्टर लगा देते थे मुझे एंटीक लुक चाहिए मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए दैट सॉफ्टवेयर वाज वेरी गुड. तो इन्होंने कहा व्हाई डोंट वी जस्ट बिल्ड द एंटायर प्लेटफॉर्म ऑन दैट. तो इंस्टाग्राम बन गया कि फिल्टर्स और उन्होंने देने शुरू कर दिए. आप नोटिस करें एक थीम है बहुत बड़ा आइडिया था उसको उन्होंने सिंपल करके एक एप्लीकेशन करके उसको लॉन्च कर दिया. स्टारबक्स कॉफी दुनिया का मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स और वैसा जो है वो बंदा पहले व्हाट वाज ही सेलिंग हार्वर्ड शुल्ट्ज़ जो था कॉफी मशीन बेचता था तो उसके जो वो कहता था यार मैं मशीनें बेचूंगा और कॉफी बीन्स मैं लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि वो मशीन एक दफा मुझे ले लेंगे $300 $500 की फिर मैं इटली की कॉफी बीन्स लाऊंगा उनको सेल करूंगा. फिर उसने नोटिस किया मैं इसमें अगर 50 सेंट का पानी मिलाता हूँ मैं तो हर कॉफी कप को $3-4 में बेच सकता हूँ. व्हाई एम आई गिविंग माय प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स क्यों ना मैं खुद ही उनको कॉफी बना के सेल करूं. एंड एक पॉइंट ये था कि इसका विजन क्या था हर चौराहे पे मेरा एक स्टारबक्स होगा मैंने कहा दैट वाज हिज विजन. ऑन एवरी इंटरसेक्शन देयर हैज टू बी अ स्टारबक्स. और न्यूयॉर्क सिटी और ऐसी जगहों में तो ये होता था कि आमने सामने होते थे स्टारबक्स इस वाले में रश है तो आप आगे वाले में चले आते थे इतने इसने ब्रांचें खोली. एंड देन एक ये एप्लीकेशन था ग्रूपॉन के नाम से यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो तो वो भी नहीं करता था सेवियर इस तरह का. ग्रूपॉन ने क्या किया था पहले कंपनी बनाई थी टिपिंग पॉइंट उनका क्या ये था वो जाके कंपनी से निगोशिएट करते थे दे वुड टॉक टू फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है जो बार्बर शॉप है उससे कहते थे अगर हम आपको 100 कस्टमर ला के देते हैं आप क्या डील दोगे तो वो कहता था जी हेयर कट के शेव फ्री. वो कहते थे अच्छा ठीक है तो दे वुड क्रिएट दैट प्रमोशन ऑनलाइन और कहते थे अगर हमें 100 लोग कस्टमर्स पे करते हैं इस सर्विस के लिए तो आपको हेयर कट के साथ शेविंग फ्री मिल जाएगी. तो वो क्या कर रहे थे उस तरह से बिजनेसेस से सॉलिसिटेशन ले रहे थे. तो इन्होंने अपने आप को रीब्रांड करके देखा कि अब उसमें मसला क्या था अगर समझे 90 लोग आए 100 लोग नहीं आए तो वो ऑफर कैंसिल हो जाती थी किसी को भी नहीं मिलती थी. तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि लोगों का फिर वो जब 1-2 दफा उनके साथ हुआ एप्लीकेशन पे तो उन्होंने यूज ही करना छोड़ दिया कि हमें क्या फायदा क्योंकि जब हमने हमें ये डील चाहिए थी हमें मिली नहीं तो ये तो किसी भी डील के साथ हो सकता है. तो देन द एंगेजमेंट बिकेम लो तो इन्होंने वो खत्म करके सिर्फ वो बना दिए ग्रूपॉन हम सिर्फ आपको डील्स और डिस्काउंट्स ढूंढ ढूंढ के मार्केट से देंगे. तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं आपको पता नहीं ये फिट से लगा ये क्या कर रहे थे ये पूरी जो इंटरनेट पे जो भी अच्छी डील्स और होती है उनको सोर्स करके ट्रैफिक गाइड कर रहे थे और उस पर क्या करते इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक तो वो जो ऑर्डर प्लेस हो रहा था उस पर ट्रैक हो रहा था कहाँ से ये सेल्स आ रही और उसको कमीशन मिलता था. तो इन्होंने क्या किया जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस का गेम है उसको चेंज कर दिया कि यू वांट टू मेक यूज एनी होटल बुक करना है बार्बर शॉप जाना है ब्यूटी पार्लर जाना है जो भी बिजनेस है उस पर जाकर जूते खरीदने ये उनकी वेबसाइट्स की डील्स और ऑफर्स उठा के अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को राउट करते थे. एंड दैट्स हाउ दे वर बेसिकली मेकिंग मनी. सो ये जो चीज है दिस इज बेसिकली कॉल्ड पिवटिंग यू चेंज योर बिजनेस आइडिया अकॉर्डिंग टू द टाइम्स. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज वी कॉम्प्लिकेट थिंग्स मोर देन पॉसिबल. तो व्हेन यू गाइस आर बिल्डिंग अप योर पिच डेक्स जब आप लोग अपने पिच देने जाएंगे कॉम्पिटिशन में जस्ट मेक श्योर कि आपका आइडिया क्लियरली कम्युनिकेटेबल हो आपकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन आइडेंटिफाइबल हो. वी टॉक मोर अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक लेकिन ये क्या व्हाट यू ट्राइंग टू फोकस ऑन प्रेडोमिनेंटली इज मेकिंग श्योर कि आपका नैरेटिव सेलेबल हो जो भी काम आप करें
आपको उसको सेल करने में लोगों को नजर आए कि वाकई जेन्युइनली लोगों को इसकी नीड है, पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन दिस आइडिया, तो इफ यू हैव ऑलरेडी मेड सेल्स तो दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आप कह सकते हैं मेरा बिजनेस तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और ये मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है. यू कैन चेंज योर मॉडल अकॉर्डिंगली, यू कैन रेज द प्राइसेस, लॉन्च फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट के अंदर, ताकि आपको अगर पैसों का अपना ब्रांड आप प्राइस बढ़ाएंगे उसकी तो लोग हो सकते हैं शोर मचाएंगे, यार ये तो आप 500 का दे रही थी अब आप 800 कैसे मांग रही हैं मुझसे. लेकिन अगर आप उसको एक थोड़ी बॉटलिंग चेंज करके ग्लास बॉटल में दे दें या किसी और चीज़ में दे दें, आप 800 रुपये मांग लें और उसमें थोड़ी सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दें कि जी अब सेंटेड है या कोई और चीज़ है, वोंट कॉस्ट यू दैट मच बट यू कैन चार्ज अ बेटर रेवेन्यू ऑफ इट. तो ये क्या होगा, एंट्री पॉइंट आपका लोगों को ये होगा कि जी मार्केट कंपेटिटिव प्राइस पे ला रही है, देन मूव देम अप टू द प्रीमियम प्राइसिंग, और यू कैन लुक एट सब्सक्रिप्शन मॉडल्स. इफ समबडी रिपीटेडली नीड्स अ लोशन आप उनको ऑफर कर देंगे, क्योंकि हमने नोटिस किया आप हर महीने ये लोशन ले रही है, आप हमसे 6 महीने की डील करते हैं, आपको 6 महीने पूरे प्लेनिश करते रहेंगे. तो इस तरह की भी चीजें आप कर सकती हैं ताकि आपको एक साथ पैसे पहले मिल जाएंगे. सर बिल्कुल, और उसमें उन्होंने क्या किया, चैसी सेम होता है, जो सबसे महंगी चीजें इंजन चैसी वगैरह वो टोयोटा ही की ब्रांड की यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं लेदर सीट डाल देंगे उसमें, डिजिटल डैशबोर्ड बड़ा डाल देंगे, वो ये करते हैं कि इस तरह की चीजें ऐड करके वैल्यू एडिशन क्रिएट कर देते हैं, ताकि अगर कोई टोयोटा का कस्टमर भी है, देसी जितने बाहर है डॉक्टर है या कुछ, उनकी ख्वाहिश होती है लेक्सस पे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे करोला हमारे लिए होता है कि इट्स अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज के भाई यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, बाहर जाके वो लेक्सस बन जाती है. तो ये जो है कि आपका एक ब्रांडिंग और एक परसेप्शन और एक पर्सोना जिसको हम कहते हैं वो एक क्रिएट होने लगता है, राइट. सो वी विल टेक अ ब्रेक हियर, इवन दो इट्स 15 मिनट्स अहेड बट ज्यादा एक्सेसिव हो गया आई थिंक एक लंबे स्ट्रेच में, तो वी विल टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल गेट बैक टुगेदर अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, राइट. Excuse me, 20 minutes तक लंच जो है वो सर्व होगा, तो ये 20 मिनट में क्या हमने कर दी. वो समझ आ गया, हाफिज तो लगानी पड़ती है, आज हम नहीं भी पास कर रहे थे.